Assalamu alaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you are watching matrices and determinant video lecture aptitude maths ka ek behtahasha important topic hai jo ki har university mein takriban pucha jata hai chahe aapke paas beta NUST ho chahe aapke paas beta UET Lahore ho chahe aapke paas beta IBA ka CS side ho ya IBA ka normal side bhi in fact ho कुछ ना कुछ बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक चीजें लाजमी पूछी जाएंगी। आपके पास पाकिस्तान की कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो फास्ट है, GIKI है, NUST है, IBCS साइड है, NED है, प्याज है, UET है, वहां पे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का टॉपिक बहुत ज्यादा आएगा। बहुत से स्टूडेंट इस टॉपिक को चॉइस पे छोड़ देते हैं, बहुत से स्टूडेंट इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को समझते नहीं है कि कितना ज्यादा ये आपके पेपर में इनरोल होगा। मेरा बेटा ना सिर्फ इस पर्टिकुलर टॉपिक से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडजॉइंट, इनवर्स, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये टेक्निकल क्वेश्चन हो गए ना, ये वाले जो क्वेश्चन हो गए मेरा बेटा, ये तो सारे टेक्निकल वाले क्वेश्चन हो गए। इसकी बहुत सारी डेफिनेशन बेस्ड प्रॉपर्टीज भी होती है जो कि इस क्वेश्चन से बेतहाशा आती हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, इसके अंदर कई तरह की हमारे पास प्रॉपर्टीज आ रही होती है, डिटर्मिनेंट बेस्ड चीजें आ रही होती है। कहने का मकसद क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट ईयर साइड से अगर आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो आपके पेपर में लाजमी आएगा। हमारी कोशिश ये होगी कि आज के लेक्चर के अंदर मैट्रिसेस होते क्या है इस बात को समझें, उसके अलावा मैट्रिसेस की तमाम बेसिक प्रॉपर्टीज को और टाइप्स को कवर करेंगे इंशाल्लाह, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से। आपको खुद आगे चल के समझ में आएगा कि मैं कहां कहां से आपको इंशाल्लाह ना सिर्फ एमसीक्यूज करवा रहा हूं बल्कि किस तरह से एमसीक्यूज पेपर में भी आता है और किस तरह की टाइप्स होती है हमारे पास मैट्रिसेस की। क्लियर है मेरा बेटा, तो आइए आज के फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर जो चीज हमारे जहन में आती है कि मैट्रिसेस होते क्या हैं, तो मेरा बेटा मैट्रिसेस हमारे पास बेसिकली रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को मैट्रिसेस कहते हैं। किसको कहते हैं भैया, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को, यानी कि हमारे पास अगर कभी भी हमारे डिजिट्स, हमारे एलिमेंट्स रेक्टेंगुलर अरेंज किए जाते हैं तो हम उन्हें नॉर्मली मैट्रिसेस कह रहे होते हैं, मगर उसके लिए भी कुछ कंडीशंस का होना जरूरी है। अच्छा, ये वो टॉपिक है जो बहुत से बच्चों ने ड्यू टू कोरोना मिस किया था अपने पर्टिकुलर इंटरमीडिएट बोर्ड्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल सिंध बोर्ड के अंदर ये टॉपिक रिड्यूस था लास्ट ईयर, बट अगेन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्टीट्यूड साइड के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए करवाने की रीजन भी यही है। पहले इसको क्या कहा भाई, मैट्रिसेस के टॉपिक को एक और करने की रीजन क्या है कि बहुत से बोर्ड्स के बच्चों ने इसको लास्ट ईयर नहीं पढ़ा था, तो अगेन ये पेपर में तो बिल्कुल आएगा, तो हमें उसको भी सीखना है। तो बेटा सबसे पहले मैट्रिसेस होते क्या हैं, मैट्रिसेस बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं मेरा बच्चा, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है, हम इस चीज को मैट्रिसेस कहते हैं, मगर इसके लिए कुछ कंडीशंस का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल दी कि भाई मैट्रिस, मैंने आपके सामने एक पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंदर एक स्ट्रक्चर बना दिया कि 1 - 2 5 4 5 0 1 3 4, तो ये जो पर्टिकुलर चीज है ये मैट्रिक्स कहलाती है अगर ये तीन कंडीशंस को प्रूफ कर रहा है। पहली कंडीशन ये होती है कि मैट्रिसेस हमेशा तीन तरह के सिंबल से डिनोट होते हैं, एक इस सिंबल से, एक इस सिंबल से, या फिर एक इस सिंबल से। तो मैट्रिसेस के, मैट्रिसेस का जो ब्रैकेट्स होते हैं वो बड़े स्पेशल तरह के होते हैं, नॉर्मली तीन तरह के होते हैं हमारे पास। दूसरे नंबर के ऊपर मैट्रिसेस को जो डिनोट किया जाता है ये हमेशा कैपिटल लेटर से किया जाता है, इट कैन बी कैपिटल ए बी और एनी कैपिटल अल्फाबेट फ्रॉम ए टू जेड। थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट तरीन बात होती है, इसके ऑर्डर्स बहुत मैटर करती हैं, डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर हम हमेशा ऑर्डर देख के फैसला करते हैं कि आए ये मैट्रिक्स है कौन सा, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर एक और चीज जो बड़ी मैटर की इंपॉर्टेंस की हामिल होती है, वो मैट्रिक्स का जो नाम होता है ना वो अपने ऑर्डर पर डिपेंड करता है। मैंने अभी तक आपसे दो बातें करी, पहली बात क्या करी बेटा कि मैट्रिसेस होते क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज मैट्रिसेस। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपसे क्या करी कि मैट्रिसेस कब बनते हैं, मैट्रिसेस बनने की यूजुअली दो या तीन कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन मैट्रिस बनने की ये होती है कि भैया मैट्रिस को आपने जिस ब्रैकेट में क्लोज करवाया हुआ है वो इन तीनों में से कोई होना चाहिए। आप मैट्रिस को इस ब्रैकेट में भी रख सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट, या आप राउंड ब्रैकेट में भी रख सकते हो, या फिर आप इनको डबल डैश ब्रैकेट में भी आप क्लोज कर सकते हो। सेकंड बात जो मैट्रिसेस की सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि मैट्रिसेस हमेशा आपके पास अल्लाह भला करे कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। एंड द थर्ड वन, मैट्रिसेस का ऑर्डर बहुत मैटर करता है जो किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करने में बड़ा यूजफुल होता है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही वैसे आता है कि ऑर्डर होता क्या है। अब जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है ना बेटा, इसके कई नाम होते हैं, इसको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसको साइज ऑफ द मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसको डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स भी कहते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स को ड्रॉ करता हूं, मैं आपके सामने क्या करता हूँ, मासूमियत के साथ एक मैट्रिक्स ड्रॉ करता हूँ, लेट सपोज 1 2 3 0 1 2
4, 5, 2 मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स को ड्रॉ कर दिया मेरा बेटा। आपके पास हमेशा आपने एक बात याद रखनी है, जो हॉरिजॉन्टल चीज होती है यानी कि एक्स एक्सिस की जैसे लाइन है हॉरिजॉन्टल चीज, तो हॉरिजॉन्टल चीज मैट्रिसेस में हमेशा रॉ होती है बेटा। बहुत से बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं, तो अगर मुझसे पढ़ लो तो बेटा आपको एटलीस्ट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हॉरिजॉन्टल चीज क्या होती है, हमेशा रॉ कहलाती है। वर्टिकल चीज जो होती है मेरा बेटा मैट्रिसेस में, उसे हम कॉलम कहते हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मैट्रिक्स आ रहा है, अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि आया इस मैट्रिक्स में कितनी रॉज और कितनी कॉलम्स हैं। तो भाई देखिए इस मैट्रिक्स में कितनी रॉज हैं, एक रॉ ये है, एक रॉ ये है, एक रॉ ये है, यानी कि तीन रॉज हैं। कितने कॉलम्स हैं, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास सिंपल तरीके से तीन रॉज हैं और कितने कॉलम्स हैं, तीन कॉलम्स हैं। तो ये जो आपके पास 3 × 3 बन गया बेटा, ये 3 × 3 नहीं कहते, ये पढ़ने में कैसे पढ़ा जाता है, 3 × 3। तो ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, साइज है, डायमेंशन है। बेसिकली ये तीनों लफ्ज एक ही चीजें हैं, आपको बेसिक ये बात मालूम होनी चाहिए। किसी भी मैट्रिक्स को पहचानने के लिए उसका ऑर्डर, उसका साइज, उसका डायमेंशन बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई आवाज देके बुलाए इंसान, मैं शायद नहीं मुड़ूंगा क्योंकि भाई इंसान तो उस रोड के ऊपर, उस गली में, उस घर में 10,000 हो सकते हैं। हाँ अगर कोई मुझे मेरे यूनिक नेम से बुलाए तो ऑब्वियसली मैं जरूर चौंकूंगा, मैं पीछे मुड़ के देखूंगा, मैं उसकी बात सुनूंगा क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है, ये मेरा साइज है, मेरी डायमेंशन हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग रिलेटेड टू माय नेम, जिसके ऊपर मैं शायद आवाज पहचानूं, आवाज को सुनूं, आवाज के ऊपर रिस्पॉन्ड करूं। सेम गोज फॉर द मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस को पहचानने का तरीका क्या होता है, उनका ऑर्डर, और ये ऑर्डर बनता कैसे है, सिंपल तरीके से रॉज इनटू कॉलम्स के जरिए। बहुत से लोग इस डायमेंशन को इस तरीके से भी लिखते हैं, m into n की फॉर्म में। तो मेरा बेटा रॉज या ऑर्डर, आपके पास जो ऑर्डर होता है या डायमेंशन होती है या साइज होता है, वो कैसे डिनोट करवाया जाता है, स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है, m into n, m represent the rows, number of rows, n represent the number of columns। For example, मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखता हूं 2, 3, 4, 6, 1, 7, मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख दिया, मैं आपसे कहता हूँ इसका नाम क्या है, तो भाई मैट्रिक्स का कोई नाम नहीं होता, मैट्रिक्स का जो नाम होता है अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन, वो उसका ऑर्डर डिफाइन करता है। अब देखिए इस मैट्रिक्स में कितनी रॉज आ रही है मेरा बेटा, एक रॉ ये है, एक रॉ ये, एक रॉ ये, तो कितनी रॉज है, 3 रॉज है। कितने कॉलम्स आ रहे हैं, 2 कॉलम्स आ रहे हैं, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, 3 × 2 का मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरा बेटा, दिस मैट्रिक्स विल बी नोन एज 3 × 2, क्योंकि रॉस को हमेशा पहले लिखते हैं फिर कॉलम को लिखते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, मैट्रिक्स के अंदर हमेशा रॉस पहले आती है, कॉलम फिर आता है बेटा, ये हमेशा याद रखिएगा। क्या होगा, m into n, तो m क्या है यहाँ पे 3, n क्या है यहाँ पे 2। हम इसके बेतहाशा क्वेश्चंस करेंगे तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अच्छा इसी बात के ऊपर एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल अब देखो तरीकेकार मैट्रिक्स लेने का चेंज कर रहा हूं आपके लिए। लेट सपोज 1, 2, 3, 4, 0, −1, 2, 4, मैंने एक और मैट्रिक्स लिख दिया, और मैंने ये बात आपको बता दी कि जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में हो, मैट्रिक्स आपके पास राउंड ब्रैकेट में भी हो सकता है अगर वो तीनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है। पहली कंडीशन कि भाई उसके अंदर एलिमेंट्स नंबर्स होने चाहिए, दूसरी कंडीशन के वो डिनोशन उसकी कैपिटल लेटर से, और तीसरी कंडीशन सिर्फ इन तीन तरह के ब्रैकेट में से कोई एक ब्रैकेट होना चाहिए। अच्छा अब जरा इस चीज को देखिए, ये इस मैट्रिक्स का नाम क्या होगा, इसका ऑर्डर, इसका साइज, इसका डायमेंशन बताएगा आपको। तो भाई इस मैट्रिक्स के अंदर क्या ऑर्डर आ रहा है, देखो कितनी रॉज आ रही है, 2 रॉज आ रही है। कितने कॉलम्स आ रहे हैं मेरा बेटा, कितने कॉलम्स आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो ये मैट्रिक्स का कहलाएगा 2 × 4 का कहलाएगा। क्लियर है मेरा बेटा, बहुत आसान सी देखो बात करी, कोई मुश्किल बात नहीं करी, बेसिक तुम्हें एक एक चीज से लेके चल रहा हूं ताकि तुम्हें ये बात क्लियर हो सके कि मैट्रिक्स बनता कैसे, मैट्रिक्स है क्या चीज। अच्छा अब हम बेसिकली मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स पे जाने वाले हैं, मैट्रिक्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब मैं करवाऊंगा, मगर अभी सबसे पहले किसके ऊपर लेके जा रहा हूं आपको, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिससे तुम्हारे पेपर में बेतहाशा एमसीक्यूज आएंगे बेटा। नस साइड पे भी आते हैं, एनईटी साइड के ऊपर 3, 3, 4, 4, नस साइड पे देखो 80 एमसीक्यूज है, तो ऑब्वियसली 1 से 2, 3, 4 आने के बहुत चांसेस होते हैं, और आते भी है, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स बड़ी यूनिक होती है, बड़ी मजे की होती है टाइप्स के ऊपर। अच्छा देखो यूजुअली मैट्रिक्स की जो टाइप्स होती है 2 होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम मैट्रिक्स जो टाइप डिफाइन करते हैं यूजुअली 2 करती हैं, मगर ऑब्वियसली स्टैंडर्ड हम 4 भी कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो पहली टाइप्स हमारे पास आती है वो क्या आती है, सिंपल तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर जो स्टैंडर्ड टाइप्स आती है उसमें आपके पास पहले नंबर के ऊपर स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और फिर हमारे पास थर्ड नंबर पे आइडेंटिटी भी आ जाता है, फोर्थ नंबर पे नल भी आ जाता है। यूजुअली 4 तरह की दुनिया में मैट्रिक्स एग्जिस्ट करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, थर्ड नंबर के ऊपर आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, एंड द फोर्थ वन इज ऑलवेज नोन एज नल मैट्रिक्स। सही है। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे सर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तो बहुत सारी नहीं होंगी, बिल्कुल मेरा बेटा
हर मैट्रिक्स की टाइप की फिर फर्दर टाइप्स होती हैं, उनको भी डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अभी खाली मैंने आपकी बात या आपकी बेस बनाने की कोशिश करी है, तो भाई पहली मैट्रिक्स की टाइप पे चलते हैं। दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है मेरा बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स दुनिया का एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर अगर नंबर ऑफ रॉज, ऐसा मैट्रिक्स दुनिया का अगर उसमें नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यूज हमेशा सेम हो। क्या कहा, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर अगर नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यूज क्या हो सेम, तो हर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। मैं आपको एग्जांपल से बात समझाता हूं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, भाई ये जो मैंने आपके सामने मैट्रिक्स बनाया, कैसा मैट्रिक्स बनाया, इसका ऑर्डर चेक कर लीजिए। हमेशा आप मैट्रिक्स किस तरह का है वो ऑर्डर यूजुअली बहुत दफा डिफाइन कर रहा होता है। अभी किस तरह का मैट्रिक्स आ रहा है, 2x2 को आ रहा है, भाई दो रोज़ आ रही है, दो कॉलम्स आ रहे हैं। रॉस क्या होती है, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, कॉलम क्या होते हैं, वर्टिकल लाइन। मैट्रिक्स कैसे 2x2, यानी कि जो इसका पर्टिकुलर रॉ है वही उसकी कॉलम का नंबर है, यानी जितनी रॉज है उतनी कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप आ गई। एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं ए बी सी ई एफ जी एच के एम, एक और मैट्रिक्स लिख दिया मैंने। अब देखो ये मैट्रिक्स कैसा है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही क्या होती है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाएं, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, सेम हो। देखो भाई इस मैट्रिक्स में कितनी रोज आ रही है, 3 आ रही है, कितने कॉलम्स आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 3x3 का मैट्रिक्स है। क्लियर है मेरा बच्चा, कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, कोई प्रॉब्लम की बात। अच्छा मैं एक और मैट्रिक्स लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6। अब अगर आपके पास पेपर में एमसीक्यूज आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो बेटा कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, जरा तीसरे वाले एग्जांपल को देखो जो मैं अभी आपको करवा रहा हूं, थर्ड एग्जांपल। इस मैट्रिक्स की खास बात क्या है कि इस मैट्रिक्स में जो ऑर्डर है वो ऑर्डर सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ रॉस तो 3 आ रही है मगर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो क्या है, आगे चल के भी समझेंगे। फिलहाल के लिए क्या समझ सकते हैं कि भैया ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो एटलीस्ट नहीं है। तो हमने अभी पढ़ लिया स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बहुत डिटेल के अंदर, और ये मैंने आप एग्जांपल में इसकी शो करवाई भी थी। अच्छा अब देखिए, अब स्क्वायर मैट्रिक्स को भी हमने डिस्कस करा है, अब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की फर्दर टाइप्स आती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स की कितनी टाइप्स है। सबसे पहले हमारे पास बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स जब हमने डिस्कस कर लिया, तो सबसे पहले नंबर के ऊपर स्क्वायर मैट्रिक्स की पहली टाइप हमारे पास आती है। ये टाइप क्या कहलाती है, ये टाइप कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा बेटा दुनिया में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं एक मैट्रिक्स में, डायगोनल के मायने क्या होते हैं पहले हम इस बात को समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स बनाता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या कहा, मैंने आपके सामने एक सिंपल मैट्रिक्स बना दिया। मेरा बेटा दुनिया के हर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये वाली जो लाइन होती है ये लाइन पूरी क्या कहलाती है, डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट्स की लाइन कहलाती है। तो आपको सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखना है कि बेटा ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर। बेटा ये जो लाइन होती है हमारे पास, ये लाइन क्या कहलाती है, लाइन कहलाती है डायगोनल एलिमेंट्स की लाइन। अच्छा इसके अलावा वाले जो नंबर्स होते हैं, इसके अलावा वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, दे आर टर्म्ड एज दी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। मैट्रिक्स के अंदर जब हम डायगोनल के पर्सपेक्टिव से अपने एलिमेंट्स को देखते हैं तो हमारे पास यूजुअली दो तरह की चीजें होती हैं, या तो एक मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, या फिर एक मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। यानी कि एक मैट्रिक्स के अंदर भैया या तो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे या फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। तो बड़ी सिंपल सी ये बात है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, बड़ी बुनियादी सी बेसिक सी मासूम वाली बात है कि या तो मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स होंगे नॉन डायगोनल होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब क्या, इस तरह की लाइन, और नॉन डायगोनल यानी कि जो इस लाइन के अलावा वाली चीजें आ रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और एमसीक्यू आपको करवा देता हूं, या फिर मैं आपको एक मैट्रिक्स की जनरल टाइप बता देता हूं कि भाई A11 मैं आपके सामने लिख दूं, A12 लिख दूं, A13 लिख दूं, फिर लिख दूं A21, फिर लिख दूं A22, फिर लिख दूं A23, फिर लिख दूं आपके पास A31, फिर लिख दूं A32, फिर लिख दूं A33। तो मेरा बेटा अगर आप गौर करें तो मैंने आपको क्या बात पढ़ाई है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर आपके डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, भाई ये जो आपकी ये वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है यानी कि A11, A22, A33। और ये बात मैं आपको भी बता चुका हूं कि रॉस क्या होती है, हॉरिजॉन्टल वाली चीज, कॉलम्स क्या होते हैं, वर्टिकल वाली चीज। तो बेसिकली A11 के मायने क्या है, A11 है फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम
एलिमेंट। A12 के मायने क्या है? फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम। A13 के मायने क्या है? फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम। A21 के मायने क्या है? सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम। A22 के मायने क्या है? सेकंड रॉ सेकंड कॉलम। A23 के मायने क्या है? सेकंड रॉ थर्ड कॉलम। A31 के मायने क्या है? थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम। A33 के मायने क्या है? थर्ड रॉ थर्ड कॉलम। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसके पर्टिकुलर एलिमेंट को बुलाने के लिए हम कुछ नंबरिंग का सहारा लेते हैं। बेटा डायगोनल मैट्रिक्स को समझने से पहले हमें डायगोनल एलिमेंट्स क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूं। तो अगर मैं आपके सामने मैट्रिक्स लिख रहा हूं, अब मैं आपसे कहता हूं कि बताओ इस मैट्रिक्स में कितने डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स बोलेंगे सर तीन हैं। कौन कौन से सर? 1, 5 और 9। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1 किस पोजीशन पे, आप बोलेंगे सर 1, 1 के ऊपर है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 5 जो डायगोनल एलिमेंट है वो किस पोजीशन के ऊपर है, आप बोलेंगे सर इस पोजीशन के ऊपर है। इस पोजीशन का नाम क्या होगा? देखो भाई कितनी रॉज है, 2 सेकंड, दूसरी रॉ पे ना ये सेकंड रॉ, और कॉलम कौन सा? सेकंड ही है, 2 हो जाएगा। A33 किस पे होगा मेरा बेटा? सिंपल तरीके से 9 पे होगा। क्या होगा? A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या होगा? 9 होगा। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो रोज और कॉलम सिमिलर होने पे मिलते हैं। एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक अपने जहन में रखिएगा, यानी कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स को फाइंड करना चाहता हूं तो मेरा बेटा इसका एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं, तो इस फॉर्मूले को भी मैं आपको पढ़ा देता हूं। फॉर्मूला बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही मजे का है, कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स आपको कहां पे मिलते हैं? ये मिलते हैं ए आई जे के ऊपर। ए आई जे के मायने क्या है? आई कहते हैं मेरा बेटा रॉस को, जे कहते हैं मेरा बच्चा कॉलम्स को, और ये बात मैं आपको बातों बातों ही पढ़ा भी चुका हूं। अच्छा भाई, फॉर एग्जांपल हमें जो अपने और एलिमेंट्स मिले कैसे मिले भाई? 1-1 पे मिला पहला, 2-2 पे मिला दूसरा, हमें डायगोनल एलिमेंट 9 पे मिला तीसरा। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है मेरा बेटा? अगर हमारे आई जो हमारे नीचे नंबर लिखा हुआ होता है, अगर ये नंबर ऑफ रॉस ज्यादा हो किससे? नंबर ऑफ कॉलम से। यानी कि अगर आई और जे आए तो बराबर आ जाए, या फिर अगर क्या हो जाए, आई और जे बराबर ना आए, अगर आई और जे बराबर ना आए तो क्या होगा मेरा बेटा? या तो आई बड़ा होगा जे से, या फिर जे बड़ा होगा आई से। अभी मैंने क्या लिखा है मैं भी आपको समझाता हूँ, काइंडली बिल्कुल परेशान ना हो, अभी समझाऊंगा। भाई देखो, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर डायगोनल एलिमेंट्स आपको रैंडमली निकालने पड़ जाए, फॉर एग्जाम्पल हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं? इससे निकालते हैं। और ये फॉर्मूला क्या है बेटा? ये वही फॉर्मूला जो मैं भी आपको समझा चुका हूँ, यानी कि ए आई जे, ये आई क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रॉ, जे रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम्स को। फॉर एग्जांपल मैं आपसे यहाँ पे कहूँ कि बताओ मुझे A32 की वैल्यू क्या है, यानी कि भाई इस मैट्रिक्स में A32 की वैल्यू क्या आ रही है? आप देखो 3-2 के मायने क्या है? थर्ड रॉ सेकंड कॉलम। यानी कि आप बोलोगे क्या वैल्यू आ रही है सर? 8 आ रही है। मैं आपसे कहता हूं कि भाई मुझे जरा बताइएगा कि इस मैट्रिक्स के अंदर A21 की वैल्यू क्या है। मैं आपसे कहूं कि बताओ जरा A21 की वैल्यू क्या है इस मैट्रिक्स के अंदर, कैसे बताओगे? बोलोगे सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सर 4 वैल्यू आ रही है। मैं आपसे कहता हूं कि बताओ A33 की वैल्यू क्या आ रही है, आप बोलोगे सर थर्ड रॉ पे थर्ड कॉलम पे जाना है तो वो 9 होगी A33 की वैल्यू। मैं आपसे कहता हूं कि भैया मुझे बताओ A12 की वैल्यू, किसकी वैल्यू बताओ? A12 की। तो भाई देखो, ए फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम क्या नंबर है? 2 है। यानी कि A12 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरा बेटा? सिंपल तरीके से 2 हो जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या हो जाएगी मेरा बेटा? 2 हो जाएगी। यानी कि क्या कॉन्सेप्ट दिया मैंने आपको, ये नंबर्स कैसे फाइंड कर रहे होते हैं? फॉर्मूला बहुत ही आसान सा है। हमेशा याद रखिएगा, डायगोनल एलिमेंट्स आपको सिर्फ इस कंडीशन पे मिलते हैं, अगर आपकी रॉज और कॉलम बराबर हो। ऐसा एलिमेंट आप निकालो जिसके ऊपर रॉज और कॉलम की वैल्यू क्यों बराबर। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर क्या कहलाता है? ये नंबर कहलाता है 1-1, ये क्या कहलाता है? 2-2, ये क्या कहलाता है? 3-3, आगे क्या होगा? 4-4, फिर क्या होगा? 5-5। तो ये वाली जो रॉ होती है, रॉ कहलाती है डायगोनल एलिमेंट्स की रॉ, और ये हमेशा उस वक्त होता है जब आई और जे क्या हो? बराबर हो। स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप पढ़ने हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप पढ़ने का ये बहुत क्वाइट ऑब्वियस कि रॉज और कॉलम तो बराबर होंगी। यानी कि अगर मैं 4x4 का मैट्रिक्स भी बना दूं तो मुझे डायगोनल एलिमेंट हमेशा किस पे मिलेगा? जब आई बराबर होगा जे के। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि डायगोनल एलिमेंट किस पे मिलता है? जब आई बराबर होता है जे के। तो ये एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है नस्ट साइड, फास्ट साइड, एनईडी साइड, आईबीसीएस साइड के ऊपर कि बताओ डायगोनल एलिमेंट कब मिलेगा मेरा बेटा? जब आई और जे बराबर होता है एलिमेंट का, तब आपको डायगोनल एलिमेंट मिलता है। क्लियर भाई? ये मैंने समझा भी दिया आपको कि जरा डायगोनल एलिमेंट्स के नंबर्स देख लें, A11 पे मिल रहा है, 2-2 पे मिल रहा है, 3-3 पे मिल रहा है, आगे जो मिलेगा वो A44 पे मिल रहा होगा, जाहिर सी बात है। और जब कभी आई और जे की वैल्यू बराबर नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, जब कभी आई और जे की वैल्यू बराबर नहीं होती, तब जो एलिमेंट मिलता है वो नॉन डायगोनल एलिमेंट कहलाता है। यानी कि डायगोनल के अलावा वाला क्या कहलाता है? नॉन डायगोनल एलिमेंट। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट की भी दो टाइप्स होती हैं।
या तो आपको जो नंबर मिला वो आई से आई जो है वो बड़ा है जैसे, या फिर आई छोटा है जैसे। फॉर एग्जाम्पल बात पहले समझ लेते हैं। लेट सपोज मैं आपके सामने लिख देता हूं A31। A31 के अंदर बेटा 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई। जे 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जे। तो देखो 3 क्या है, 1 से बड़ा है। 3 क्या है, 1 से बड़ा है। तो ये जो नंबर हमें मिलेगा ना, ये जो हमें नंबर मिलेगा, ये एक स्पेशल जगह पे मिलेगा। कौन सी जगह पे मिलेगा? A31। आप तमाम स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ये नंबर यहाँ पे मिलेगा। यानी कि कभी भी अगर आपकी आई की वैल्यू हो जैसे बड़ी, कभी भी आपकी आई की वैल्यू हो जैसे बड़ी, तो भाई अगर आप गौर करो तो ये डायगनल वाली जो लाइन है, ये जो डायगनल वाली लाइन है, इसके नीचे आपको एक ट्राइंगल बन रहा होता है, यानी नॉन डायगनल एलिमेंट्स के ऊपर। सेम गोज फॉर हियर। ये जो डायगनल वाली लाइन है, इससे ऊपर भी हमें एक स्पेशल तरह का ट्राइंगल हम बना सकते हैं। यानी कि कभी भी अगर मेरे आई की वैल्यू क्या होती है, जे से ज्यादा, कभी भी हमारे अगर आई की वैल्यू बेटा जे से ज्यादा होती है, जो नंबर हमें मिलेगा वो हमेशा डायगनल एलिमेंट्स के नीचे मिलता है। कहां मिलता है? ये डायगनल एलिमेंट्स की लाइन जा रही है, इसके नीचे मिलेगा, अगर आई की वैल्यू ज्यादा होगी जे की छोटी होगी। वाइल ऑन दी अदर एंड, अगर आई की वैल्यू छोटी हो जे की बड़ी हो, लेट सपोज अल्लाह वाला करे A13, लेट सपोज A13, इस कंडीशन में देखो जे की वैल्यू क्या है, बड़ी है, आई की वैल्यू क्या है, छोटी है। तो अब ये वाला जो नंबर मिलेगा कहां मिलेगा? जाहिर सी बात है डायगनल के ऊपर मिलता है। तो भाई आपको कुछ बेसिक शॉर्ट ट्रिक्स मालूम होनी चाहिए। क्या शॉर्ट ट्रिक्स है मेरा बेटा, कि अगर हमारे पास कभी भी आई और जे की वैल्यू किसी मैट्रिक्स में बराबर होती है, तब हमें वहां पे उस एलिमेंट के नंबर के ऊपर हमें डायगनल एलिमेंट मिलता है, पहली चीज। अगर आई और जे की वैल्यू सेम नहीं होती है, देन इट इज नोन एज नॉन डायगनल एलिमेंट। और अगर कभी भी आई बड़ा होता है जे से, तो भैया हमें जो एलिमेंट मिलता है वो बिलो डायगनल मिलता है। और कभी भी जे बड़ा होता है आई से, तो जो एलिमेंट मिलता है वो अबव डायगनल मिलता है। तो पहली इंपॉर्टेंट तरीन बात तो हमने डायगनल मैट्रिक्स के ऊपर ये समझ लेनी है। मुझे बताइए मेरा बच्चा, इसमें कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, कोई बात जो समझ में ना आई हो आपको, कोई भी परेशानी की बात? क्लियर है यहां तक सबको? अभी मैंने आपको डायगनल मैट्रिक्स नहीं सिखाया, अभी मैंने आपको डायगनल मैट्रिक्स में से डायगनल के मायने बताए हैं कि डायगनल होता क्या है, मिलता कहां पे है, कैसे मिलता है। क्लियर है मेरा बच्चा? तो आइए अब चलते हैं डायगनल मैट्रिक्स को समझने के लिए। यानी कि अब डायगनल मैट्रिक्स में से या किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर आप समझ चुके हो डायगनल क्या होता है। तो अब मैं आपके सामने कुछ चीजें लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल पहला तो एक सिंपल मैट्रिक्स लिख देता हूं, 3, 4, 0, 1, 2, एनी सिंपल मैट्रिक्स। एक और एग्जाम्पल लिखता हूं मैं आपके सामने एक और सिंपल मैट्रिक्स की, बट इस सूरत में मैं यहाँ पे 0, 0 कर देता हूं। और एक और मैट्रिक्स मैं आपके सामने लिखता हूं ताकि आपको बात थोड़ी और मेरी क्लियर हो सके, 3, 4, 0, 0। मेरा बेटा डायगनल मैट्रिक्स, जब कभी डायगनल मैट्रिक्स का नाम सुनते हैं ना, तो ये डायगनल मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जिसमें डायगनल एलिमेंट्स। अब सबसे पहले सोचो जहन में डायगनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले जहन में सोच लो बेटा डायगनल एलिमेंट्स, बहुत डिटेल में पढ़ा है। ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं क्या कहलाते हैं? डायगनल एलिमेंट्स। ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं क्या कहलाते हैं डायगनल एलिमेंट्स। और ये वो एलिमेंट्स होते हैं जहां पे आपकी रोज और कॉलम क्या होते हैं, बराबर होती हैं। फॉर एग्जांपल इस एलिमेंट का नंबर क्या होगा, इस एलिमेंट को हम पढ़ देंगे क्या, A11। फिर क्या होगा, ये कहलाएगा A22, ये क्या कहलाएगा 3-3। ये क्या होगा 1-1, ये क्या होगा 2-2 होगा। इसी तरीके 4x4 का आ जाए तो 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 पे हमें डायगनल एलिमेंट्स मिल जाएंगे। यानी कि डायगनल मैट्रिक्स के अंदर या किसी भी दुनिया के मैट्रिक्स के अंदर ये वाली चीज होती है जिसके ऊपर रोज और कॉलम बराबर होते हैं, वो डायगनल एलिमेंट्स होती है। अब डायगनल मैट्रिक्स होता क्या है मेरा बेटा? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नॉन डायगनल एलिमेंट्स क्या हो, नॉन डायगनल तमाम एलिमेंट्स हो जीरो और डायगनल एलिमेंट्स कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करते हो और नॉन डायगनल जीरो, डायगनल एलिमेंट्स कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल इस कंडीशन को देखिएगा, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन के अंदर आपके पास सिंपल सी बात की जा रही है कि आपको आपको जो डायगनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज तो दी हुई है, मगर डायगनल के अलावा वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या, जीरो। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये स्पेशल तरह का मैट्रिक्स है, क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स की स्पेशल टाइप, इट इज नोन एज अ डायगनल मैट्रिक्स। इसको देखिए, एक स्पेशल तरह का मैट्रिक्स है कि भैया डायगनल एलिमेंट जो है वो तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, मगर नॉन डायगनल सारे क्या, जीरो है।
अच्छा अब पहले वाले मैट्रिक्स को देखिएगा, पहले वाले मैट्रिक्स के अंदर डायगनल एलिमेंट्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, नॉन डायगनल भी कर रहे हैं, यानी कि नॉन डायगनल जीरो नहीं है बेटा। नॉन डायगनल अगर जीरो हो और सिर्फ डायगनल मौजूद हो तभी डायगनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो जो एमसीक्यू जो मैंने ये मैट्रिक्स वन बनाया, पहला मैट्रिक्स बनाया था, ये डायगनल मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि डायगनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं, डायगनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें डायगनल एलिमेंट्स की वैल्यूज कुछ भी एग्जिस्ट कर सकती है, कुछ भी 1 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकती है एग्जिस्ट करें। और नॉन डायगनल्स की वैल्यूज हमेशा जीरो होनी चाहिए, नॉन डायगनल एलिमेंट्स की वैल्यूज हमेशा जीरो होनी चाहिए, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगनल एलिमेंट्स की तो देखो वैल्यू कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगी, मगर जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं यानी कि इस लाइन के अलावा वाले, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, हमेशा जीरो होने चाहिए। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द डायगनल मैट्रिक्स, ये होता है डायगनल मैट्रिक्स। तो मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे इसको लिखा हुआ भी है तरीके से, इसको देख लेते हैं मेरा बेटा। यहाँ से सिंपल सी बात मैंने यहाँ पे लिखी भी है कि भाई डायगनल मैट्रिक्स क्या होंगे, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हो और नॉन डायगनल सारे के सारे जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगनल एलिमेंट एग्जिस्ट करते हो बाकी सारे क्या हो, जीरो, नॉन डायगनल, तो क्या कहलाएगा, डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है मेरा बेटा? बहुत मेहनत से बेटा एक कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको इसे रट्टे मारने ना पड़े। अगर मुझसे पढ़ने के बाद भी रट्टे मार रहे हो बेटा, यकीन मानो बहुत गलत काम करो, लानत हो गई या तो मुझ पे या फिर आप पे, क्योंकि अगर मैं इतनी मेहनत के बाद भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सका तो लिटरली मेरे लिए शर्म का मुकाम होगा। हाँ भाई, क्लियर है बात सबको? कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात? क्या कहा मैंने, डायगनल मैट्रिक्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, डायगनल मैट्रिक्स हमारे पास दुनिया में एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर हमारे पास डायगनल एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हो। क्या कहा मैंने, डायगनल मैट्रिक्स हमारे पास दुनिया में इस तरह का मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगनल एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हो और नॉन डायगनल्स क्या हो हमारे पास, जीरो। भाई जब मैंने डायगनल का लफ्ज यूज करा तो आप इस बात को कंसीडर कर पाओगे, यानी कि इस लाइन की बात कर रहा हूं, यानी कि ये वाली लाइन मौजूद होनी चाहिए, इसके अलावा वाली तमाम चीजें क्या हो, जीरो हो, यानी कि तमाम चीजें क्या हो, इसके अलावा वाली जीरो हो। अच्छा अब जरा मैट्रिक्स की खूबसूरती देखो, अगर मैं आपके सामने कोई भी मैट्रिक्स लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमेशा किसी भी मैट्रिक्स के अंदर बेटा डायगनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं, सही है ना। अब जरा इस इन डायगनल एलिमेंट्स की लाइन के ऊपर वाली तीन चीजों को देखो, एक तरह का ट्राइंगल बन रहा है ना भाई, और नीचे भी एक तरह का ट्राइंगल बन रहा है। तो ऊपर वाली चीज को हम नॉर्मली कहते हैं अपर ट्राइंगुलर, नीचे वाली चीज को हम नॉर्मली कह रहे होते हैं लोअर ट्राइंगुलर। ये एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, अक्सर फास्ट साइड के ऊपर, आईबी वगैरह साइड के ऊपर, नस साइड पे पूछा जा रहा होता है, तो हमें मालूम होना चाहिए अपर ट्राइंगुलर क्या है, लोअर ट्राइंगुलर क्या है। अपर ट्राइंगुलर क्या होता है, डायगनल लाइन से अबव वाली तीन वैल्यूज, लोअर ट्राइंगुलर क्या होता है, डायगनल लाइन से नीचे वाली चीज। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया अभी बेटा, मैं भी बहुत सारी चीजें भी सिखाने वाला हूं, तो अभी आपने साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को पिक करना है। अब देखो, डायगनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, डायगनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर आपके पास डायगनल एलिमेंट्स की तो कुछ ना कुछ वैल्यू हो, डायगनल एलिमेंट्स की तो कुछ ना कुछ वैल्यू हो, और नॉन डायगनल जो होते हैं, नॉन डायगनल यानी कि इस लाइन के अलावा वाले, वो जीरो होते हैं सारे के सारे। तो यही हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है, यही जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, किसका होता है, या डायगनल मैट्रिक्स का होता है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट डायगनल एलिमेंट्स। तो आई होप आपको ये सिंपल सी बात क्लियर होगी। हमने क्या कहा कि डायगनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऐसे पर्टिकुलर मैट्रिक्स जिसमें डायगनल एलिमेंट्स की वैल्यूज एग्जिस्ट करती है और नॉन डायगनल्स क्या हो, यानी कि उस तिरछी लाइन के अलावा वाली तमाम चीजें क्या हो, जीरो हो। ये होता है डायगनल मैट्रिक्स। आपके सामने मैंने दो एग्जांपल्स भी रख दी ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अभी इस बात को एक और तरीके से समझते हैं, जो कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की दूसरी टाइप भी कहलाती है, एंड दिस टाइप इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। अब जरा बात सुनिएगा मेरी, अभी हम स्क्वायर मैट्रिक्स की भी दूसरी टाइप पढ़ रहे हैं। स्केलर मैट्रिक्स डायगनल मैट्रिक्स की एडवांस फॉर्म होती है, यानी कि एक ऐसा डायगनल मैट्रिक्स, जब मैंने लफ्ज यहाँ पे यूज करा डायगनल मैट्रिक्स तो इसका मतलब क्या होगा, नॉन डायगनल तो ऑब्वियसली क्या है हमारे पास, जीरो है। नॉन डायगनल्स क्या है हमारे पास, जीरो है, यानी कि नॉन डायगनल सारे के सारे क्या है, जीरो है। यानी कि जब मैंने कहा, जब हमने कहा कि भैया एनी डायगनल मैट्रिक्स हैविंग ऑल द डायगनल एलिमेंट्स सिमिलर, हैविंग ऑल द डायगनल एलिमेंट्स सिमिलर, यानी कि आपके पास ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर आपके पास जितने भी डायगनल एलिमेंट्स हो वो
वो ना सिर्फ नॉन जीरो हो, वो ना सिर्फ नॉन जीरो हो बल्कि सेम भी हो, बल्कि सेम भी हो, तो ऐसे स्पेशल मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं बेटा? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये बातें पढ़ना ही समझना बड़ी जरूरी है, इस पे एमसीक्यूज आएंगे भाई आपके पास, आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स है, कौन सा स्केलर मैट्रिक्स है, या फिर आपसे बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट आ जाएंगे इनकी प्रॉपर्टीज के, तो भाई आपको मालूम होना चाहिए। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट लिया, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अगर मैं सिर्फ आपसे डायगोनल मैट्रिक्स मांगू तो बेटा डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर नॉन डायगोनल डायगोनल तो जीरो होते हैं, नॉन डायगोनल तो जीरो होते हैं, और डायगोनल एलिमेंट्स कुछ ना कुछ होते हैं, कुछ ना कुछ यानी कि कोई भी वैल्यू उनमें एग्जिस्ट कर सकती है, और नॉन डायगोनल्स क्या होंगे? जीरो। व्हाइल स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल की एडवांस फॉर्म है, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल की एडवांस फॉर्म है कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सिमिलर होंगे, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सारे सिमिलर हो, और नॉन डायगोनल्स क्या हो? सारे के सारे जीरो हो। क्लियर है भाई? तो एक एमसीक्यू पेपर में बहुत आता है, फॉर एग्जांपल इसी को कंसीडर कर लेते हैं। पेपर में एक एमसीक्यू आ जाता है कि भाई दिस मैट्रिक्स इज डैश, दिस मैट्रिक्स इज डैश, ऑप्शन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑप्शन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑप्शन बी डायगोनल मैट्रिक्स, एंड ऑप्शन सी स्क्वायर, ऑप्शन सी स्केलर मैट्रिक्स। तो मेरा बेटा बहुत से बच्चे यहाँ पे बेवकूफी करते हैं, इस तरह के एमसीक्यूज पेपर में बहुत देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बताओ, ये जो आपको मैंने एमसीक्यूज दिया, ये जो मैंने मैट्रिक्स लिखा है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल है, स्केलर है। बेटा अगर टेक्निकली सोचो तो तीनों चीजें हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो। तो ये 3x3 का मैट्रिक्स है, बिल्कुल है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ओरिजिनली। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? जाहिर सी बात है भाई, हर स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स होता है, हर डायगोनल मैट्रिक्स ही स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, सही है ना भाई? तो आपके पास जो यहाँ पे क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स आपसे कहता है कि भैया नॉन जीरो आओ। डायगोनल मैट्रिक्स कहता है कि आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हो वो नॉन जीरो हो, और डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सब जीरो होना, तो डायगोनल मैट्रिक्स भी है ये तो एक तरीके से। मगर सबसे ज्यादा ये क्या चीज है, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है इसका? स्केलर मैट्रिक्स। क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स जब मैं इस ऑप्शन को स्केलर मैट्रिक्स कहता हूं, तो इस लफ्ज स्केलर के अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, तो इस ऑप्शन इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स। क्यों स्केलर मैट्रिक्स? क्योंकि मेरा बेटा स्केलर मैट्रिक्स होता ही स्क्वायर मैट्रिक्स का है। स्केलर मैट्रिक्स किसकी टाइप है? स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप है, तो स्केलर मैट्रिक्स बनता है स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर है, और डायगोनल की एडवांस फॉर्म होती है। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स ना सिर्फ नॉन जीरो हो बल्कि सेम हो, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स ना सिर्फ सेम हो, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स ना सिर्फ नॉन जीरो बल्कि सिमिलर हो। जबकि डायगोनल में क्या होता है, वो सिर्फ नॉन जीरो होते हैं, इट कैन बी डिफरेंट। ये वाला मैट्रिक्स डायगोनल है क्योंकि इसके एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये मैट्रिक्स स्केलर नहीं है, सिर्फ डायगोनल है। व्हाइल स्केलर क्या होता है? स्केलर एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ना सिर्फ नॉन जीरो हो बल्कि सेम भी हो। तो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर सेम होना डायगोनल एलिमेंट्स की कंडीशन है भाई। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स का सेम होना कंडीशन है, और नॉन डायगोनल तो ऑब्वियसली जीरो होंगे। व्हाइल डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर सेम होना कंडीशन नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर सेम होना कंडीशन नहीं है, तो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे, बस नॉन जीरो के अंदर वो कुछ भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव में हो पॉजिटिव में आपको खर्चा नहीं है। क्लियर है भाई? अब बताइए, ये बात क्लियर होती है तमाम स्टूडेंट्स को? वेरी गुड क्वेश्चन। अगर छोटा सा सर ऑप्शन डी के अंदर ऑल ऑफ दीज आ रहे हो, हम कह सकते हैं ऑल ऑफ दीज भी, मगर फिर भी स्केलर ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि स्केलर के अंदर तमाम की तमाम दोनों चीजें वैसी शामिल हो जाती हैं। स्केलर जब मैं स्केलर मैट्रिक्स कहता हूं तो तीनों की दोनों वैसी शामिल हो जाती हैं, ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स थोड़ी है, ये मैट्रिक्स सिर्फ डायगोनल थोड़ी है, तो स्केलर के अंदर ये दोनों चीजें वैसी शामिल हो जाती हैं, तो ऑल ऑफ दीज वैसे आएगा नहीं, इतना कंफ्यूजिंग, बट अगर आता है तो हम कर सकते हैं, वो भी अल्लाह भले हो जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा? भाई बेटा इसीलिए इसको मैंने यहाँ पे टाइप भी करवा दिया तरीके से, हम देख सकते हैं आपकी आसानी के लिए मैंने इसको टाइप भी करवा दिया। आपने बस एक बात हमेशा अपने ज़हन में रखनी है कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स का सेम होना जरूरी नहीं है। वेल स्केलर मैट्रिक्स बनेगा उसी वक्त जब वो डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यूज सेम होंगी। और से देख लीजिए, डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब एक और चीज पे पढ़ते हैं, एक और टाइप। आपने यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी देखा होगा। ये यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है भाई? बहुत ही आसान सी बात है। देखो लफ्ज यूनिट के मायने क्या होते हैं, देखो मैं मैथ्स बिल्कुल मुश्किल करके आपको नहीं पढ़ाऊंगा, इंशाल्लाह मुझसे अगर पढ़ो तो बिल्कुल चलो के। अब ये मैट्रिक्स ही तीसरी टाइप आ गई स्क्वायर मैट्रिक्स की। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भाई एक ऐसा पर्टिकुलर मैट्रिक्स
एक ऐसा पर्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स या ऐसा पर्टिकुलर स्केलर मैट्रिक्स मैं कह दूं या डायगोनल मैट्रिक्स कह दूं कि भाई जिसके डायगोनल एलिमेंट्स ना सिर्फ सेम हो, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स ना सिर्फ सेम हो बल्कि बनो। डायगोनल मैट्रिक्स क्या पढ़ा? जिसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो खाली। स्केलर मैट्रिक्स क्या पढ़ा? कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स का सेम होना भी जरूरी है मगर वन के अलावा। अब यूनिट मैट्रिक्स होता ही ऐसा स्पेशल स्केलर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल मैट्रिक्स ना सिर्फ नॉन जीरो हो, ना सिर्फ सेम हो बल्कि वन भी हो, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? ऑब्वियसली यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि ऐसा खूबसूरत मैट्रिक्स, ऐसा खूबसूरत स्केलर मैट्रिक्स कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स ना सिर्फ नॉन जीरो हो, ना सिर्फ सिमिलर हो बल्कि साथ साथ उनका वन होना भी जरूरी है। क्योंकि यूनिट के मायने क्या होते हैं? वन। आइडेंटिटी के मायने क्या होते हैं? वन। आइडेंटिटी के मायने क्या होते हैं? वन। तो अगर आपके डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यूज वन है तो ये क्या कराएगा? आपका सिंपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स कराएगा। सिंपल सी बात है, रिप्रेजेंट करवाते हैं हमेशा कैपिटल आई से, एंड द नंबर रिटन बिलो इज नॉर्मली नोन एज इट्स ऑर्डर। यानी कि अगर मेरे पास आई टू लिखा हुआ तो आई टू का मतलब क्या होगा? ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स टू बाई टू का है। अगर आई थ्री लिखा हुआ क्या मतलब होगा? ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स थ्री बाई थ्री का है। आई फोर का मतलब क्या होगा? ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो फोर बाई फोर का है। बट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में ध्यान भी रखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है? ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके तमाम डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यूज वन हो, क्या कहलाएगा? आपके पास कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके ऊपर भी एक एमसीक्यू अक्सर कंफ्यूज करने के लिए आता है कि भाई आपको पेपर में एमसीक्यू दे दिया, आपसे मासूमियत से एग्जामिनर पूछेगा कि बताओ ये डायगोनल मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स है या स्केलर मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब बच्चा बेचारा बेवकूफी के अंदर करता क्या है? भाई ये चारों ऑप्शन ही बन सकता है, मगर सबसे परफेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑब्वियसली आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। जब मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा तो ऑब्वियसली सी बात है, इसका डायगोनल भी कवर हो गया, इसमें स्क्वायर भी कवर हो गया, इसमें स्केलर भी कवर हो गया। तो सारी की सारी चीजें जो कवर कर रहा है, ये क्या कर रहा है मेरा बेटा? आइडेंटिटी कर रहा है। अच्छा, अब आप में से किसी एक बच्चे का मेरे पास क्वेश्चन आया, सर अगर ये वन की जगह पे फोर होता, मेरा बेटा अगर वन की जगह पे फोर होता तो दैट सिंपली मींस कि आपके पास यूनिट तो नहीं रहा ना, अब इसके डायगोनल एलिमेंट सिमिलर है, तो डायगोनल एलिमेंट जिस मैट्रिक्स के सिमिलर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि अगर आपके नॉन डायगोनल जीरो है और डायगोनल एलिमेंट्स के आ गए आपके पास, कुछ भी आ गए मगर सिमिलर आ गए, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स आपके अगर कुछ भी आ जाए सिमिलर आ जाए तो क्या कहलाएगा? स्केलर कहलाएगा। और अगर ऐसे सिमिलर आए के वन हो देन इट इज नोन एज यूनिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है भाई? कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात? मेरा बेटा वन बाय वन के ऊपर आप डायगोनल एलिमेंट्स खाली वन ही फिर कंसीडर कर रहे होगे, बिल्कुल आप कंसीडर कर सकते हो वन बाय वन का, मगर वन बाय वन के ऊपर आपको वन ही आ जाएगा सिंपल तरीके से। अब मैं इसके अंदर इसको एक ही मैट्रिक्स कंसीडर करता हूँ, ये मेरा सिंपल एक वन ही आ गया, मैं इसके ऊपर कैसे मैं डायगोनल एलिमेंट डायग्नोज करूंगा? रॉस वन वन तो ये सिंपल वन ही कहलाएगा फिर, इसमें फिर मेरा मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या है? वन ही है। क्लियर है मेरा बच्चा? वेरी गुड। बात को मैंने यहाँ पे आसान भाषा में भी लिख दिया, आसान भाषा में आपकी आसानी के लिए लिख दिया। तो अगर लास्ट में अगले टॉपिक पे अगली टाइप्स के ऊपर जाने से पहले, अगर मैं लास्ट में अगली टाइप पे जाने से पहले जल्दी से आपको कुछ रिवीजन करवा दूं कि बेटा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, खुदा रहे इसको भूलना मत। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जो नॉन डायगोनल्स हो वो तो जीरो हो, नॉन डायगोनल्स क्या हो? नॉन डायगोनल्स वो तो जीरो, मेरे साथ साथ पढ़िए, नॉन डायगोनल्स तो क्या हो? वो तो जीरो होंगे, और जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो होने चाहिए, यानी कि उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो। नॉन डायगोनल्स जीरो हो, यानी कि लेट सपोज मैं आपके सामने ऐसे करके एग्जांपल दे दूं, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स कुछ ना कुछ हो, यानी कि नॉन जीरो हो, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हो? जीरो हो। फिर हमने पढ़ा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है अगेन जिसमें नॉन डायगोनल्स हमारे जीरो ही होते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा सिमिलर होने चाहिए। इट कैन बी 2 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4 5 6, इट कैन बी एनी नंबर एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 अगर आ जाएगा तो फिर वो स्पेशल स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि इस तरह का मैट्रिक्स ये बन गया स्केलर। और फिर हमने पढ़ा यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा स्पेशल तरह का स्केलर मैट्रिक्स जिसमें अगेन नॉन डायगोनल तो जीरो होंगे और सिंपल तरीके से हमारे पास ये क्या बन जाएगा? यहां पे हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यूज क्या आ गई? 1 1 आ जाती है और बाकी यानी जीरो आ जाते हैं। हो सकता है आप में से किसी का क्वेश्चन आ जाए, सर ये 1 1 क्या अगर नेगेटिव 1 हो? तो मेरा बेटा नेगेटिव 1 अगर आपके पास आ जाएगा, नेगेटिव साइन तो कॉमन ले लीजिएगा, नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे फिर भी वो आपको यूनिट मैट्रिक्स प्रूव हो जाएगा। नहीं तो अगर आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट के ऊपर -1 है और दूसरे के ऊपर नहीं है, तो ऑब्वियसली सी बात है बेटा फिर ना तो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा ना ही स्केलर मैट्रिक्स।
कहलाएगा, फिर ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स होगा। एक क्वेश्चन जो मुझसे एक बच्चे ने भी पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, मैं दोनों तरीकों से उसका रिप्लाई कर देता हूँ। बच्चे ने मुझसे पूछा सर अगर 1 की जगह -1 हो तब ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा। देखो अगर तो तमाम डायगोनल एलिमेंट्स में -1 आ रहा है तब तो भाई मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। हम क्योंकि बाकी तमाम चूंकि रॉ के अंदर चीजें 0 होंगी तो हम माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, रॉ से बाहर निकाल दिया जाएगा। व्हाइल अगर ये सिर्फ एक किसी डायगोनल एलिमेंट के साथ -1 आ रहा है, जैसे यहां पे कि भाई ये पॉजिटिव 1 है ये वाला -1 है, तो अब देखो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, तमाम डायगोनल एलिमेंट्स का पॉजिटिव 1 होना। यहां पे तो एक पॉजिटिव -1, तो इसका मतलब यूनिट मैट्रिक्स तो नहीं है ये एग्जांपल। फिर स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि तमाम डायगोनल एलिमेंट्स का सेम होना। अब ये पॉजिटिव 1 है ये -1 है, अब भी हम कर से अब क्या करेंगे, फिर सिंपल ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके ऊपर हम स्पेसिफिक रॉ कभी कॉमन ले सकते हैं, बट वो अगेन मैंने उस टॉपिक के हवाले से हट के आपको क्लियर किया है। क्लियर है मेरा बेटा? कोई मसले की बात? अब कोई परेशानी की बात? वेरी गुड। अब चलते हैं उन चीजों के ऊपर जो आपने शायद कभी इंटर में नहीं पढ़ी हो। यस अगर तो आप फेडरल बोर्ड से हो या केपी के बोर्ड से हो तब तो आपने ऑब्वियसली कुछ टाइप्स पढ़ी भी होंगी, बट ये टाइप्स हर पेपर में पूछी जाएंगी जो अब हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं। पहली टाइप, चौथी टाइप आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स की, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वन ऑफ माय फेवरेट टाइप। भाई मैंने आपको बातों बातों में भी जब डायगोनल मैट्रिक्स सिखा रहा था मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि भैया अगर तुम्हारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स आ रहा है अगर तुमने उसे गौर से देखा, अगर तुमने क्या करा उसे गौर से देखा, तुम इस बात को नोट करोगे कि तुम्हारी जो डायगोनल वाली लाइन थी ना, तुम्हारी जो ये डायगोनल वाली लाइन थी, यानी कि लेट सपोज इस लाइन से ऊपर और नीचे तुम्हें वैल्यूज मिल रही होती हैं, यानी कि इस लाइन से डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा ये लाइंस भी होती हैं, ये नंबर्स भी होते हैं, या मैं इस तरीके से एक मैट्रिक्स बना दूं, फॉर एग्जांपल 1 3 4, इधर 2 है, इधर लेट्स सपोज 0 आ गया, 1 आ गया, इधर 3 आ गया, इधर 4 आ गया, 7 आ गया। मैं आपके सामने एक और मैट्रिक्स शो कर दूं, अगर मैं आपसे कहता हूं डायगोनल एलिमेंट्स हर मैट्रिक्स में कौन से होते हैं, ये वाले, और नॉन डायगोनल्स कौन से होते हैं, ये वाले 3 और ये वाले 3। अब हमारे पास जो अगली टाइप होती है स्क्वायर मैट्रिक्स को इसी हवाले से होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मेरा बेटा बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है, अगर मेरे पास दुनिया में एक ऐसा मैट्रिक्स आ जाए कि भाई जिसके अंदर 2 1 3, अगर मेरे पास दुनिया में एक ऐसा पर्टिकुलर मैट्रिक्स आ जाए जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट से जो नीचे वाले तमाम के तमाम नंबर्स हैं, डायगोनल एलिमेंट से नीचे वाले के तमाम जो नंबर्स हैं अगर वो 0 आ जाते हैं, देन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि ऐसा स्पेशल तरह का मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट से नीचे वाले नंबर्स क्या हो, 0 के बराबर। क्या कहा मैंने कि भाई ऐसा पर्टिकुलर मैट्रिक्स, एक और एग्जांपल से बात समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं 1 2 3 1 2 3 4 1 4 1 9। अब देखो ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाया, इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स की लाइन कौन सी है, ये वाली। अगर डायगोनल एलिमेंट्स की लाइन के नीचे वाले तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो इसके रट्टे नहीं मारने बेटा, बातों में इतनी बार समझा रहा हूं, इतनी बार एग्जांपल दे रहा हूं, आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा। अगर आपके डायगोनल एलिमेंट्स के डायगोनल लाइन के नीचे वाले नंबर्स एलिमेंट्स क्या हो जाए, 0, तो ये कहलाता है अपर ट्रायंगुलर। देखो उल्टा नाम है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसका एक छोटा भाई भी होता है, उस छोटे भाई को हम क्या कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट इसका अपोजिट है। अगर डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले एलिमेंट्स, अगर डायगोनल एलिमेंट्स के ये 3 एलिमेंट्स जो होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, तो अगर इनके ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या हो जाए, 0 के बराबर, देन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो भाई एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स क्या पढ़ी, पहली इंपॉर्टेंट टाइप क्या पढ़ी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या खासियत है कि भैया ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट से नीचे वाली लाइन, डायगोनल एलिमेंट्स जहां मौजूद हैं उससे नीचे वाले जो एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, जो कि ऑब्वियसली ट्रायंगल का स्ट्रक्चर शो कर रहे होते हैं, अगर ये जीरो है तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर। व्हाइल ऑन द अदर हैंड इसका अपोजिट क्या होता है कि अगर मेरे पास सिंपल तरीके से डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले नंबर 0 हो जाए, देन इट इज नॉट लोअर ट्रायंगुलर। यानी कि टोटली उल्टा काम हुआ है। क्लियर है मेरा बच्चा? अब यहां पे कोई मसला, MCQs नंबर 4 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये चौथे और पांचवी हमने टाइप पढ़ी है, टाइप बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट है. डायगनल्स का सेम होना जरूरी नहीं है. मैंने बात मैंने आपको जितनी एग्जांपल्स आए किसी में डायगनल सेम नहीं बनाया. आप डायगनल सेम बना सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है. जरूरी नहीं है कि डायगनल सेम हो भाई. मैंने डायगनल एलिमेंट्स का जिक्र किया, मैंने आपसे डायगनल एलिमेंट्स का जिक्र किया. मैंने आपसे ये नहीं कहा कि डायगनल सेम होंगे नहीं होंगे. मैंने सिंपल डायगनल एलिमेंट्स का, डायगनल एलिमेंट्स ये होते हैं. अब ये सेम हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने तो इसको देखना ही नहीं है ना, मैंने तो इन चीजों को देखना है. मैंने तो इन चीजों को देखना है. अगर तो नीचे वाले नंबर जीरो है तो क्या कहलाता है? अपर ट्रायंगुलर. अगर ऊपर वाले जीरो है तो क्या कहलाएगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. हमारा यहाँ पे एमसीक्यूज कवर हो गया, हमारा यहाँ पे टाइप्स कवर हो गई. यानी कि ये वाली टाइप्स क्लियर है भाई. हमने ये नहीं देखना कि डायगनल एलिमेंट सिमिलर होते हैं नहीं होते. वेरी गुड. अच्छा, अब जो नंबर के ऊपर मैंने एक और आपको एमसीक्यूज कवर करवाना चाहता हूं. एमसीक्यूज तो नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मजे का. मेरा बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. मैंने ये बात अभी आपको बातों बातों में पढ़ाई. अगर आपने पूरे अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर या फिर डायगनल एलिमेंट्स वाली कहानी भी मुझसे समझ ली तो भाई आप इस बात को गौर करोगे. अगर आपको डायगनल एलिमेंट्स वाली लाइन समझ में आ गई तो भाई ऊपर गौर से देखिएगा, ऊपर भी एक ट्रायंगुलर बन रहा होता है, नीचे भी एक ट्रायंगुलर बन रहा होता है. हमारे पास ऐसा ही है ना मेरा बेटा, ऊपर भी एक ट्रायंगुलर बन रहा होता है, नीचे भी ट्रायंगुलर बन रहा होता है. तो इसी बात को मैंने इस कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पे शो करवा दिया कि ट्रायंगुलर होता क्या है. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो डायगनल एलिमेंट से आया ऊपर या आया नीचे तो हम इनको क्या कह रहे होते हैं? अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर. डायगनल एलिमेंट से ऊपर अपर ट्रायंगुलर, नीचे लोअर ट्रायंगुलर. क्लियर है मेरा बच्चा? तो इस बात को मैंने वैसे बातों बातों में भी क्लियर कर दिया था, बट मैंने स्टिल यहाँ पे आपको बता भी दिया. अच्छा, अब हम आते हैं अपनी कुछ इंपॉर्टेंट तरीन एमसीक्यूज की जाने. अगेन ये इंपॉर्टेंट तरीन टाइप्स आ रही हैं. अब जो बेटा हम टाइप पढ़ने वाले हैं, आई गेस इट विल बी टाइप नंबर 6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. क्लियर है बेटा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वन ऑफ माय फेवरेट टाइप. सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दुनिया में सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा अगर मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं और आंसर में मुझे वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाए. तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स. बहुत दफा पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर सिंपल तरीके से ये चीज एमसीक्यूज में आ जाएगी. कहा जाएगा इफ ए की पावर टी. अच्छा, मैंने भी ये चीज कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया ट्रांसपोज क्या होता है. बेटा बेटा कभी भी आपका मैट्रिक्स के ऊपर ये स्मॉल टी आ जाए, मैट्रिक्स के ऊपर कैपिटल टी आ जाए, या फिर मैट्रिक्स के ऊपर ये डैश बना हाइफन बना हुआ आ जाए, ये तीनों चीजें रिप्रेजेंट करती हैं मैट्रिक्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में हम करते हैं क्या, रॉज और कॉलम को कन्वर्ट कर देते हैं. अभी मैं आपको इस क्वेश्चन में समझाऊंगा, अभी इस टाइप में समझाऊंगा. अभी देखो मेरा बेटा, हमारे पास होता क्या है पेपर के अंदर, ये सिंपल ये लिखा पाएगा इफ ए की पावर टी इज इक्वल टू ए देन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स नोन एज सिमेट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, पीरियोडिक और दस तरह के नाम होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक एंड सो ऑन. भाई आपने एक चीज ध्यान रखनी है, अगर दुनिया में आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो और आंसर में वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स. मैं आपको इसी एग्जांपल दिखा देता हूं. फॉर एग्जांपल अल्लाह भला करे मेरे पास आ गया 1 2 1. चलो मैं एक और तरीके से दिखा देता हूं इसको. फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. चलो मुझे अभी कोई एग्जांपल मेरे जहन में नहीं आ रही तो इसलिए इसको ऐसे देख लेते हैं. लेट सपोज ये क्या आ रहा है, ये मैट्रिक्स है मेरे पास ए. क्या कहा मैंने, ये मैट्रिक्स क्या आ रहा है मेरा बेटा मेरे पास, सिंपल तरीके से मैट्रिक्स ए आ रहा है. हमने कहा कि अगर तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसको इस कंडीशन को प्रूफ करना चाहिए. किस कंडीशन को, कि अगर मैं इसी मैट्रिक्स का एक बार ट्रांसपोज लूं तो मुझे वापस से ओरिजिनल ये मैट्रिक्स मिल जाए. यानी कि मैं क्या करूं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं. मैट्रिक्स के ट्रांसपोज लेने का मतलब ये होता है कि आप सिंपल तरीके से रॉस को कॉलम में और कॉलम को रॉस में कन्वर्ट कर देते हो. कैसे? फॉर एग्जांपल मेरा बेटा आपके पास ये पहली रॉ आ रही है 1 2 3 है ना, ये ना आपके पास ये पहली रॉ आ रही है 1 2 3, इसको सिंपल तरीके से उठा के कॉलम में शिफ्ट कर दो. आपके पास दूसरी रॉ आ रही है 4 5 6, इसको सिंपल तरीके से उठा के एज अ कॉलम रख दो सेकंड कॉलम. आपके पास तीसरी रॉ आ रही है 7 8 9, इसको उठा के एज अ कॉलम रख दो 7 8 9. चूंकि मैंने मैट्रिक्स से भी अपनी तरफ से लिया था तो ऑब्वियसली इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा, बट हमारे पास ऐसे कई मैट्रिसेस एग्जिस्ट करते हैं. चलो मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा दूं. फॉर एग्जांपल 1 1 1 1 1 1 1 1, ये कैसा मैट्रिक्स है, सिंपल 1 1 का. अब हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर देखो, अगर मैं इसकी रॉस और कॉलम्स कन्वर्ट करूं, ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या होता है कि आप रॉस को उठा के कॉलम में डाल दो या फिर कोई भी कॉलम उठा के उसको रॉस में लिख दो. हम एक तरीका फॉलो करते हैं, रॉस से कॉलम आसान होता है. यानी कि मैंने पूरी पहली रॉ ली, इसको उठा के एज अ कॉलम लिख दिया. सेकंड रॉ ली पूरी की पूरी, इसको उठा के एज अ कॉलम लिख दिया. थर्ड पूरी की पूरी रॉ ली, इसको उठा के कॉलम लिख दिया. अब देखो ये दोनों कैसे मैट्रिक्स है, जो मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स था
वही जब मैंने ट्रांसपोज लिया तब भी आंसर में मुझे वही मैट्रिक्स मिला। तो ये जो मैट्रिक्स कहलाएगा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहा मैंने, मेरा बेटा दुनिया में एक ऐसा मैट्रिक्स अगर मैं उसका ट्रांसपोज लेता हूं आंसर में वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं बेटा। क्लियर है यहां तक की बात, कोई मसला। इसका एक छोटा भाई भी होता है और वो हमारे कहलाएगा प्रॉपर्टी नंबर 6 या प्रॉपर्टी नंबर 7, यानी कि टाइप नंबर 7, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है मेरा बेटा, अगर मैं अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का क्या लू, ट्रांसपोज लू, मैं अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लू और आंसर में मुझे नेगेटिव ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाए, देन इट इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैं अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का क्या लू, ट्रांसपोज लू, आंसर में मुझे क्या मिल जाए, अपना ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाए, नेगेटिव ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाए, देन इट विल बी कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं इसकी। लेट सपोज अल्लाह भला करे मेरे पास एक ओरिजिनल मैट्रिक्स आ रहा है 1 -2 -3 -4 0 6 और क्या ले 7 8 -9 -8 लेट सपोज मैंने आपसे कहा कि भैया हमें चेक करने आए ये मैट्रिक्स टू सिमेट्रिक है नहीं है। सिंपल तरीके से क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके चेक कर लेते हैं मेरा बेटा। सिंपल तरीके से अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूंगा तो मैंने क्या बताया ट्रांसपोज कैसे लेते हैं बेटा, साथ साथ मैं आपको डिफरेंट चीजें भी सिखा रहा हूँ मैट्रिक्स की, क्योंकि ये लास्ट दफा बहुत से बच्चों ने नहीं पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट, हो सकता है आपने इंटरमीडिएट साइड पे साथ में मूवी कवर करवा रहा हूं। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लू ओरिजिनल अपने मैट्रिक्स का, तो आइए देखते हैं क्या बनेगा, क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा 1 -2 -3, फिर क्या हो जाएगा -4 -0 -6, यानी कि पहली रो ली उसको आयरन लिख दिया, पहली सेकंड रॉली उसको एज अ कॉलम लिख दिया, फिर थर्ड रॉली उसको भी एज अ कॉलम लिख दिया। तो अब जो मैंने ये मैट्रिक्स बनाया है, वी सपोज कि यार हमारे पास यहाँ से क्या बन गया, हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स आ गया कि हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल रहा है और ये नेगेटिव की संख्या मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ से बाहर नेगेटिव कॉमन ले लें, यहाँ से बाहर नेगेटिव कॉमन ले लें, अंदर वाले नंबर लेट सपोज बिल्कुल एग्जैक्ट यही आ रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अगेन एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 -1 -1 -1 -1 -1 सही है। लेट सपोज एक और एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या आ रहा है ए, मैं इस मैट्रिक्स का क्या लेना चाहता हूं, ट्रांसपोज। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूंगा तो ट्रांसपोज लेंगे कैसे लिखा जाएगा, पहली रो आ रही है उसको एडिट करके लिख दें 1 -1 -1, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे -1 -1 -1, फिर क्या बन जाएगा 1 -1 -1। अच्छा अब देखिए इन सबके अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। अगर आप इस एलिमेंट को देखें इसमें भी नेगेटिव साइन है, इस एलिमेंट में भी नेगेटिव साइन है, इसमें नेगेटिव साइन है, तो हर रॉ में से मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूं, मैं ऊपर वाले पर्टिकुलर रॉ से भी नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बन जाएगा 1 -1 -1। इस रॉ से भी पूरी रॉ से नेगेटिव साइन ले लेता हूं कॉमन, नेगेटिव आ जाएगा बाहर, क्या हो जाएगा मेरा बेटा सिंपल तरीके से 1 -1 -1। यहां से भी नेगेटिव साइन कॉमन ले तो क्या बन जाएगा 1 -1 -1, और माइनस माइनस आपके सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा आपके पास, इट विल बी नेगेटिव, एक नेगेटिव बचेगा, माइनस माइनस इनटू प्लस एंड देन प्लस इनटू माइनस माइनस। तो ये हमारे पास क्या बन गया 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1, यानी कि ये कैसा मैट्रिक्स आ गया, ओरिजिनल मैट्रिक्स अगर मेरा ये था तो जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के मेरे पास नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स आया। अगेन ये मैंने अपनी पास से एग्जांपल्स करवाई हैं, बट सिंपल एग्जांपल, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। आपको जो मेन कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं उस कॉन्सेप्ट समझिएगा कि बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कि अगर मैं अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं तो मेरे पास नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए। आपसे पेपर के अंदर ये सब सॉल्यूशन करने को नहीं मांगा जाएगा, आपको खाली प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। तो मैंने प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए काम करा, क्योंकि बहुत से बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा, इसलिए मैंने सारी मेहनत करी। क्लियर है मेरा बेटा, क्लियर है। तो फिर बेटा अगली प्रॉपर्टी के ऊपर मूव करते हैं, अगली प्रॉपर्टी इससे ही बड़े मजे की है। अच्छा अगली प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे पास, सिंपल तरीके से गलत लिख दिया, चलो मैं आपको बता देता हूँ। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसको कुछ लोग हर्मिटन मैट्रिक्स भी कहते हैं, कुछ लोग इसको हर्मिशियन मैट्रिक्स भी कहते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है भैया हमारे पास, सिंपल तरीके से स्पेलिंग हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये हमारे पास आठवीं टाइप आ रही है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स की, कौन सी आ रही है, आठवीं टाइप आ रही है। आपके पेपर में 1 से 2 एमसीक्यूज बेटा लाजमी आएंगे इस टॉपिक के, पहले बता रहा हूं। ये आठवीं टाइप है किसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स की। क्या नाम है इसका, हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या कहता है, सिंपल सी बात कहता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, पहले तो इस चीज को समझ लेते हैं मेरा बेटा, नाम देकर ढंडने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स लू, मैं क्या लू, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स लू जो कि कॉम्प्लेक्स हो, जो कि क्या हो, कॉम्प्लेक्स। और दुनिया में कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स कब बनती है, जब उसके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हो। कॉम्प्लेक्स नंबर होते कौन कौन से, आयोटा, ओमेगा, एटसेट्रा, जो कि हमारे इमेजिनरी टर्म्स होती हैं। मैंने क्या कहा, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है मेरा बेटा, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स या ऐसा कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि बराबर आ जाए
अपनी अपने ही कॉन्जुकेट के। क्या कहा, गौर से बात सुनिएगा, पहले डेफिनेशन भी साथ साथ लिखवा देता हूं, लिखा हुआ नहीं यहाँ पे मेरे पास, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स डेट इज इक्वल टू इट्स ओन कॉन्जुकेट, इट इज इक्वल टू इट्स ओन कॉन्जुकेट। परेशान नहीं होने, इसको एग्जाम्पल समझाऊंगा भाई, एग्जाम्पल से बात करेंगे तो इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको। कैसे, आओ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी जो लिखने का तरीकेकार होता है, तो लिखने का तरीकेकार रिप्रेजेंट करवाने का कुछ ऐसा होता है, यानी कि ये जो ए के ऊपर ये डैश रिप्रेजेंट हो रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स को, यानी कि ऐसा कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जब मैं उसका ट्रांसपोज लूं तो वो अपने ही बराबर आ जाए या फिर अपने ही कॉन्जुकेट के बराबर आ जाए। अदर वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स, आसान जबान में कौन सा आ जाएगा, 3 और 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा एंड देन 2। सही है, वेरी गुड। अब देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, क्या कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाह रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि भाई ये मेरे पास एक मैट्रिक्स ए आ रहा है, ये क्या आ रहा है मेरे पास, सिंपल एक मैट्रिक्स ए आ रहा है। अगर मैं इस मैट्रिक्स ए का दो काम करूं, क्या करूं इस मैट्रिक्स ए का, एक सिंपल सा काम करूं, अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स का जो, और ये मैट्रिक्स है भी कैसा, ये एक मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स आ रहा है, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया आयोटा। आयोटा क्या होता है मेरा बेटा, भी इसको चैप्टर नंबर 2 रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ाऊंगा भी मैं आपको, आयोटा इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा यहाँ पे ये कैसा स्क्वायर मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं, यानी कि कॉन्जुकेट लूं, कॉन्जुकेट का मतलब क्या होता है, अगर आपको कॉन्जुकेट के मायने नहीं पता मेरा बेटा, कॉन्जुकेट हम कहते हैं ऐसी टर्म को जिसके अंदर हम जो कॉम्प्लेक्स फिगर होती है उसके साइंस कन्वर्ट करवा देते हैं। दोबारा मेरी जुमला सुनिएगा, हम कॉम्प्लेक्स फिगर या इमेजिनरी पार्ट्स के अगर साइन कन्वर्ट कर दें तो वो कॉन्जुकेट लेना कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉन्जुकेट लेना। तो भाई अगर मैं इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं, और ट्रांसपोज लेने के ऊपर मुझे कॉन्जुकेट ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाए, यानी कि सिंपल तरीके से क्या मिल जाए, ये यानी कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं, तो बेटा ये 3 प्लस का आयोटा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ना। मैंने क्या आपको बताया, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रॉ को एज इट इज नीचे लिख दो और जो आपकी दूसरी रॉ आ रही है वो दूसरे कॉलम में आ जाएगी, क्या बन जाएगा, 3 माइनस का आयोटा डिवाइड नीचे 2 का 2। अब देखो ये जो नया मैट्रिक्स मुझे मिला ट्रांसपोज लेने पे, इस मैट्रिक्स को जरा गौर से देखिएगा, हो सकता है तुमने अपनी आंखों को झपको और मैं बात पढ़ा दूं। मैंने क्या कहा, इस मैट्रिक्स को गौर से देखिएगा कि ओरिजिनल मैट्रिक्स ये था, मैंने इसका सिर्फ अभी ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने पे हम क्या करते हैं, हम रॉस को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैंने पहली रॉ को एज अ कॉलम कन्वर्ट कर दिया, ये प्लस वाली टर्म थी जो नीचे के आगे थी, प्लस आयोटा, ये वाली एज इट इज आ गई। अब जरा गौर से देखिएगा कि भाई जब मैंने ट्रांसपोज लिया तो मेरा बेटा जो आपके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट था, कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या था, 3 प्लस आयोटा, वो क्या बन गया, 3 माइनस आयोटा बन गया। जो 3 माइनस आयोटा था वो क्या बन गया, 3 प्लस आयोटा, यानी कि हमारा कॉन्जुकेट ले लिया हो गया खुद ब खुद। जब मैं कभी भी, तो हमारी डेफिनेशन क्या बन गई कि जब मैं कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सिंबल किसका, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसका ट्रांसपोज लूं और आंसर में मुझे ओरिजिनल मैट्रिक्स का कॉन्जुकेट मिल जाए, ओरिजिनल मैट्रिक्स का क्या मिल जाए, कॉन्जुकेट मिल जाए, बेटा ये थाउजेंड ऑफ डॉलर्स का, ये कहीं से समझ में नहीं आएगा ऐसे, और मुझे ओरिजिनल मैट्रिक्स का क्या मिल जाए, कॉन्जुकेट मिल जाए, देन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज हर्मिशियन मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, कॉन्जुकेट होता क्या है, कॉन्जुकेट कहते हैं इमेजिनरी टर्म के साइन कन्वर्ट करने को। लेट सपोज अगर मैं आपके सामने लिख दूं 2 प्लस का आयोटा, तो 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुकेट क्या होगा, 2 माइनस आयोटा, यानी कि आप कभी भी इमेजिनरी साइन को कन्वर्ट करवा दो तो वो कहलाता है कॉन्जुकेट। तो दोबारा से सुनिएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर मैं अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं, ट्रांसपोज लेने पे जो आंसर आए वो दर हकीकत कॉन्जुकेट आ जाए ओरिजिनल मैट्रिक्स का, कॉन्जुकेट आ जाए ओरिजिनल मैट्रिक्स का, तो ऐसा मैट्रिक्स का कहलाएगा हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसकी स्टेटमेंट क्या होती है, आपके सामने मैंने स्टेटमेंट भी लिख दी कि ए की पावर के ऊपर ये डैश जो आ रहा है, ये जो बार आ रहा है, ये बार रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स फिगर को, यानी कि कभी भी ए का आप कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स एक कॉम्प्लेक्स के अंदर लो, उसका ट्रांसपोज लोगे, आंसर में अगर कॉन्जुकेट मैट्रिक्स ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाए, क्या कहलाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा। बताओ भाई ये बात क्लियर होती है बेटा, बिलियन डॉलर्स का ये क्वेश्चन था जो मैंने एमसीक्यूज आपको करवाया है एक टाइप की सूरत के अंदर। अभी हमने कौन सी टाइप पढ़ी थी, 8वीं टाइप, ये आ गई नवी टाइप, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स समझ में आ गया तो स्क्यू हर्मिशियन तो बहुत ही इजी होगा। नहीं मेरा बेटा, नॉर्मल नंबर्स पे एप्लीकेबल कैसे होगा, कॉम्प्लेक्स फिगर नॉर्मल नंबर्स के लिए थोड़ी होती है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर तो होती है इमेजिनरी टर्म्स वाली है ना, आयोटा ओमेगा वाली, तो खाली कॉम्प्लेक्स है। तभी तो मैंने कहा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, मैंने कॉम्प्लेक्स लव्स वहां पे लिखा, जब कॉम्प्लेक्स लव्स मैंने वहां पे लिखा तो इसका मतलब ही यही है कि मेरा बच्चा वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए होगा सिर्फ। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स नॉर्मल नंबर्स वाले मैट्रिक्स नहीं होते, ये हो
होते ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले हैं। अब समझिएगा, अभी आपको और चीज समझ में आएगी, मजे की। देखो स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है, अगर आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स समझ में आ गया हर्मिशियन, तो स्क्यू हर्मिशियन उसका छोटा भाई है। यानी कि अगर मैं अपने स्क्वायर मैट्रिक्स का, अगर मैं अपने और से बात सुनिएगा, आपसे चाहता हूं कि भाई आप साथ साथ पढ़ो। अगर मैं अपने स्क्वायर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का, क्या लू, ट्रांसपोज लू, और आंसर में मुझे क्या मिल जाए, आंसर में मुझे नेगेटिव ऑफ कॉन्जुकेट ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाए, तो ऐसे पर्टिकुलर मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू हर्मिशियन कहते हैं। ये स्क्यू का अलग, यूजुअली मैट्रिक्स की टाइप्स में जहां जहां देखोगे वहां पे ओरिजिनल का ये नेगेटिव पार्ट होता है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना यार, कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा था, कि और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कभी नेगेटिव आ जाए स्क्यू सिमेट्रिक बन गया, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में कभी नेगेटिव आ जाए क्या बन जाता है, स्क्यू हर्मिशियन बन जाता है। इसकी एग्जांपल भी क्लियर करवाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं तुमसे कहता हूं कि भैया तुम्हारे पास जो ए मैट्रिक्स आ रहा है वो आ रहा है क्या, जीरो वन प्लस का आयोटा, इधर आ गया माइनस वन माइनस का आयोटा, और इधर आ गया जीरो। सही है, मैं तुमसे कहता हूं, लेट सपोज मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया। अब मैं तुमसे कहता हूं क्या बताओ जरा मुझे, मैं तुमसे कहता हूं कि भैया इसका जरा मुझे निकाल के दिखाओ ट्रांसपोज। तुम सारे के सारे स्टूडेंट्स बोलोगे सर ट्रांसपोज निकालना अभी आपने सिखाया, अभी सिखा देते हैं ट्रांसपोज कैसे निकालोगे। अच्छा ये नॉर्मल स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो नॉर्मल नंबर्स के ऊपर हर्मिशियन स्क्वायर हर्मिशियन नहीं लगता भाई, कॉम्प्लेक्स के ऊपर लगता है सिर्फ, क्योंकि कॉन्जुगेट लेना है ना आपने, कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है। तो भाई कैसे लेते हो आप इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या, रॉस इनटू कॉलम, क्या बन जाएगा जीरो वन प्लस आयोटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस का आयोटा इंटू जीरो। अच्छा अब मेरी दो बातें बड़ी गौर से सुनिएगा कि भाई यहां पे क्या हुआ। अब यहां पे हमारे पास जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो मुझे भी ओरिजिनल मैट्रिक्स तो मिला, मगर मुझे भी कॉन्जुकेट नहीं मिला। क्यों कॉन्जुकेट नहीं मिला, क्योंकि देखो हमारे पास, हमें ये बात मालूम है कि भाई देखो यहां पे मेरे पास क्या था, टर्म वन प्लस आयोटा थी, तो उसका कॉन्जुकेट क्या होता है, वन प्लस आयोटा। मैंने क्या कहा, कॉन्जुकेट के मायने ये होते हैं खाली इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट होना, यानी कि वन प्लस आयोटा का, वन प्लस आयोटा का कॉन्जुकेट क्या होना चाहिए था, खाली वन माइनस आयोटा। यहाँ पे तो मालिक ये नेगेटिव का वन हो गया, यानी कि भाई नहीं अभी कॉन्जुकेट नहीं मिला, ये नेगेटिव साइन नहीं चाहिए मुझे। सेम गोज फॉर हियर, नीचे क्या था, नेगेटिव वन नेगेटिव आयोटा, हमने जब इसको ट्रांसपोज करवाया मुझे इसके सामने जो चीज मिली है वो वन प्लस आयोटा मिली है, तो ये इसका भी कॉन्जुकेट नहीं है, क्योंकि माइनस वन माइनस आयोटा का कॉन्जुकेट क्या होगा, सिर्फ इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट होता है, सिर्फ इमेजिनरी चीज का साइन कन्वर्ट होता है, माइनस वन प्लस का आयोटा होना चाहिए था, तो बेटा यहाँ पे माइनस गायब हो गया। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे मैट्रिक्स से माइनस वन कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से माइनस वन कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, माइनस वन बाहर आ जाएगा ऊपर से भी और नीचे से भी, ये बन जाएगा जीरो इंटू वन प्लस का आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा सिंपल तरीके से, माइनस वन कॉमन आ गया ना मेरा बेटा, नीचे से भी आएगा नीचे से भी लेंगे तो क्या बन जाएगा सिंपल तरीके से, वन माइनस का आयोटा इंटू जीरो, यानी कि ओरिजिनल मैट्रिक्स की फॉर्म में वो आ जाएगा और माइनस वन आ जाएगा यहाँ पे भी, तो माइनस वन माइनस आयोटा नीचे बन जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा सिंपल वन प्लस का आयोटा, तो ये क्या बन गया, ये अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ गया। अगेन ये चीजें आपसे पेपर में पूछी नहीं जाएंगी, आपको खाली मैं कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ ओरिजिनली होता क्या है, क्योंकि कराची नहीं पाकिस्तान के आधे टीचर जो कॉन्सेप्ट देते हैं ना ये डायरेक्टली इसके रट्टे लगवाते हैं, बेटा मैं रट्टे नहीं लगवाना चाहता, मैं चाहता हूँ आपको डायरेक्टली कॉन्सेप्ट एटली समझ में, हमने कॉन्सेप्ट किया क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्लियर है मेरा बेटा, मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया। तो भाई क्या कॉन्सेप्ट हम लोगों ने हासिल किया, हमने कॉन्सेप्ट बेसिकली हासिल करा कि कभी भी अगर मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या करूं, ट्रांसपोज करूं, तो मुझे और आंसर में नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स अगर मिल रहा हो, नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल रहा हो, या फिर नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल रहा हो, देन इट इज नोन एज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। यहां तक की बात सबको क्लियर होती है बेटा, कोई मसले की बात, बताओ भाई की इतनी मेहनत से पढ़ाए तो सारे जवाब ने बेटा काइंडली सबको क्लियर है। एक क्वेश्चन जो मेरे पास आया कि सर इसकी एग्जांपल करवा दीजिए, एक और मेरा बच्चा इसकी एग्जांपल्स पेपर में नहीं आती, भाई मैं खाली कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए आपको डिटेल में जाकर समझा रहा हूँ कि आपको क्लियर हो सके, क्योंकि आपको उसके रट्टे मारना अजाब बन जाएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा, वेरी गुड। अच्छा अब हम चलते हैं एक और चीज के ऊपर, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की बड़ी एक कहानी है भाई हमारे पास, क्या कहा, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की भी हमारे पास पूरी एक कहानी होती है भाई। क्या है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, अगर मैं अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का स्क्वायर कर दूं और आंसर में मुझे वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाए, देन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। जल्दी से अपने ज़हन में एग्जांपल सोचिए कौन सी हो सकती है। हाँ भाई, क्या था मैंने आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, एक ऐसा पर्टिकुलर मैट्रिक्स कि अगर मैं अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का स्क्वायर करूं तो आंसर में मुझे वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाए। इसकी परफेक्ट एग्जांपल वैसे तो मैं 1 1 1 वाली दे सकता हूं कि 1 1 1 1 1 1 मेरा एक मैट्रिक्स से आ गया ओरिजिनल मैट्रिक्स ए आ रहा है किसके बराबर, 1 1 1 1 के बराबर।
अगर मैं इस मैट्रिक्स का स्क्वायर ले लूं, मैट्रिक्स का स्क्वायर लेने के मायने क्या होते हैं इसको भी तरीके से समझ लीजिएगा बेटा। किसी भी मैट्रिक्स में स्क्वायर आ रहा है, क्यूब आ रहा है, इसके मायने क्या है कि आप उसी मैट्रिक्स को दो दफा मल्टीप्लाई करवा दो। अगर मैं ए इंटू ए कर दूं, यानी कि मैं अपने मैट्रिक्स को दो दफा मल्टीप्लाई करवा दूं और मल्टीप्लाई करवाने पे आंसर मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स ए ही आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? आइडमपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और टाइप नंबर हमारी शायद 10 चल रही होगी, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स की 10वीं टाइप पढ़ रहे हैं। बेटा ये 10 टाइप नहीं है, ये 10 तरह के एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट तरीके जो तुम्हारे यूनिवर्सिटी के पेपर में लाजमी आएंगे। क्लियर है भाई? कोई मसले की बात यहां तक, कोई परेशानी की बात मेरा बेटा? अच्छा, हमने पढ़ा आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। आइडमपोटेंट मैट्रिक्स का एक छोटा भाई होता है जिसको हम क्या कहते हैं? निलपोटेंट मैट्रिक्स। आइडमपोटेंट मैट्रिक्स का एक छोटा भाई भी होता है, इसको क्या कहते हैं? निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? अगर मेरे ओरिजिनल मैट्रिक्स के ऊपर एक कोई पावर गिवन है, मेरे ओरिजिनल मैट्रिक्स के ऊपर क्या गिवन है? कोई पावर गिवन है, और अब जब मैं अपने मैट्रिक्स को एक्सपेंड करता हूं, ओपन करता हूं, सॉल्व करवाता हूं, सॉल्व करवाने पे मेरा आंसर क्या आ जाए? जीरो के बराबर आ जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स अपने नाम से जाहिर कर रहा है निल। निल के मायने आंसर का जीरो आना। भाई ये ऑल्दो इसके ओरिजिनल मायने नहीं है, बट मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक के ऊपर याद करवाने के लिए, निलपोटेंट मैट्रिक्स में टाइप बहुत सारी होती है, बच्चे को जहन में कोई शॉर्ट ट्रिक चाहिए होती रखने के लिए। देखो आइडमपोटेंट क्या था? कि ओरिजिनल मैट्रिक्स का स्क्वायर कर दो। आइडमपोटेंट क्या था? ओरिजिनल मैट्रिक्स का स्क्वायर कर दो, आंसर में अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए दैट इज नोन एज आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। व्हाइल निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? कि अगर मेरे ओरिजिनल मैट्रिक्स में कोई पावर आ रही हो पी, लेट सपोज मेरे मैट्रिक्स के ऊपर कोई पावर आ रही है, कोई भी पावर आ रही है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एनी पॉजिटिव नंबर। हाँ, ये P जो होना चाहिए, कोई भी पॉजिटिव पावर होनी चाहिए, पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव पावर। और जब मैं अपने मैट्रिक्स को सॉल्व करवाता हूँ, सॉल्व करवाने के ऊपर मेरा पर्टिकुलर आंसर क्या आ जाए? जीरो के बराबर आ जाए, तो भाई ऐसा मैट्रिक्स जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? निलपोटेंट। दर हकीकत ये बेसिकली आपके पास आइडमपोटेंट की एडवांस फॉर्म होती है। कि लेट सपोज मेरे पास ए के ऊपर पावर क्यूब आ जाए, मैंने कि मैंने अपने ए को 3 दफा सॉल्व करवाया, सॉल्व करवाने पे जो आंसर आया वो जीरो आ गया, तो अब जो कहलाएगा मैट्रिक्स ये क्या कहलाएगा? निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। आंसर का जीरो आ जाना मैट्रिक्स को सॉल्व करवाने के ऊपर, जब मैट्रिक्स के ऊपर कोई पावर गिवन हो, देन इट इज सिंपली नोन एज निलपोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर है मेरा बच्चा? बात सिंपल सी बात करी, मुश्किल बात नहीं करी। अच्छा, इसका एक छोटा भाई एक और भी होता है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। क्या कहा? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। अच्छा, इसके अंदर भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है। हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई देखो, अगर तुमने अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का स्क्वायर लिया, अगर तुमने अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का स्क्वायर लिया और आंसर तुम्हारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, अगर तुमने अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का स्क्वायर लिया और तुम्हारे पास आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, बेटा जो लास्ट की 3 टाइप्स या 4 टाइप्स पढ़ाऊंगा ना, ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो 12वीं टाइप क्या है? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। सिंपल सी बात, क्या कहता है? अगर तुम्हारे ओरिजिनल मैट्रिक्स का तुमने स्क्वायर लिया और ओरिजिनल मैट्रिक्स का स्क्वायर लेने के ऊपर क्या आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, देन सिंपली इट इज एन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा यहां तक की बात? अच्छा, अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, जल्दी से रिवाइज करेंगे बेटा। ये वाली 3 लास्ट की टाइप्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। आइडमपोटेंट मैट्रिक्स क्या था? कि भैया अगर मैं अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का स्क्वायर करता हूं, यानी कि मैं अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स को दो दफा मल्टीप्लाई करवाऊं, आंसर में क्या आ जाए? आंसर में ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए, तब क्या कहलाता है? आइडमपोटेंट। दूसरे नंबर पे क्या बताई? निलपोटेंट क्या होता है? अगर मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स के ऊपर मेरी कोई भी पॉजिटिव पावर आ रही हो, आंसर आ जाए जीरो के बराबर, देन इट इज नोन एज निलपोटेंट मैट्रिक्स। और अगर मैं अगेन अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का स्क्वायर करूं, आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, इस सूरत में ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। क्लियर है भाई? कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात? एक मैं अब 13वीं टाइप भी पढ़ाऊंगा, ये टाइप मैं आज से पहले अपने एमसीक्यूज में शामिल नहीं करता था, बट लास्ट ईयर ये एनईटी के पेपर में पूछी गई और नस साइट के पेपर में भी दिखी। क्या टाइप थी? कि अगर हमारे पास एक और तरह का मैट्रिक्स भी होता है, और ये मैट्रिक्स क्या होता है? बड़ा स्पेशल तरह का होता है, मैं आपको दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स के ऊपर पावर प्लस 1 आ जाए, मैंने क्या कहा? अगर मेरे ओरिजिनल मैट्रिक्स के ऊपर कोई पावर प्लस 1 आ जाए, इस तरह का सिंबल गिवन हो, यानी कि मुझे डायरेक्टली पावर नहीं दी हुई। अगर डायरेक्टली पावर दे देता तो शायद हो सकता है वो आइडमपोटेंट नहीं बन जाता, या इन्वोल्यूटरी में कह सकता था अगर मल्टीप्लाई करवाने पे। यानी कि अगर मुझे ओरिजिनल मैट्रिक्स के ऊपर
ओरिजिनल मैट्रिक्स के ऊपर कोई पावर और फिर वन का इजाफा करवा दिया जाए, तो इस तरह का मैट्रिक्स क्या कहलाता है? ये मैट्रिक्स कहलाता है पीरियोडिक मैट्रिक्स। क्या कहलाता है मेरा बेटा? पीरियोडिक मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? पीरियोडिक मैट्रिक्स। इसकी कोई टाइप नहीं है, ये एक सिंपल फिगर आपको दी है कि यार आपके मैट्रिक्स के ऊपर अगर कोई पावर दी जाए फिर उसको आप ऐड करवाओ। ऑब्वियसली k इज अ पॉजिटिव इंटीजर, k इज अ पॉजिटिव नंबर, यानी कि लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि a की पावर 2 प्लस 1 है, तो भाई मैंने आपको पहले पीरियड दिया 2 का अलग से दिया और फिर कहा कि इसको 1 में अब ऐड करवाओ, अब मैट्रिक्स को सॉल्व करो और इट इज a क्यूब। उसका आंसर जो भी आता है वो अलग कहानी है, मगर कहा किया कि भाई मैंने पीरियड की फॉर्म में आपको पावर दी। दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज पीरियडिक मैट्रिक्स। बताइए बेटा यहां तक की बात क्लियर होती है? कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, कोई प्रॉब्लम की बात? पीरियोडिक मैट्रिक्स को डिफाइन करवाने का तरीका ये भी होता है कि अगर हम इसकी प्रॉपर स्टेटमेंट की बात करें कि पीरियोडिक मैट्रिक्स होता क्या है, इस आई की बात करें तो बेटा ऑब्वियसली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मैंने इसको कहा भी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। पीरियोडिक मैट्रिक्स का जो अपना एक जनरल फॉर्मूला हम कह भी सकते हैं क्या होता है कि ए इज इक्वल टू के प्लस वन इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स, यानी कि अगर मुझे पीरियड की फॉर्म में पावर दी जाए, एंड से थोड़ा पीरियड दिया जाए और वो बराबर आ जाए किसके? ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के, देन इट विल बी टर्म्ड एज पीरियोडिक मैट्रिक्स। यहाँ पे जो हमारा के होता है ये पर्टिकुलर पीरियड आ रहा है, तो मैंने क्या कहा अगर हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स की पावर k प्लस 1 अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स a के बराबर आ जाए, देन इट इज नोन एज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स। ये k यहां पे जो है हमारे पीरियड्स में डिफाइंड कर रहा है। अब ये पीरियोडिक मैट्रिक्स या पीरियड मैट्रिक्स कहां यूज हो रहा होता है बेटा? ये हमारे नॉर्मली ग्राफ्स टाइप के ऊपर जो मैट्रिक्स बना रहे होते हैं उसमें यूज हो रहा होता है कि वहां पे आपको इंटरवल्स में वैल्यूज गिवन होती है। इसकी एग्जांपल अगर हम देख लें तो भाई लेट सपोज मेरे पास जीरो से अगर चीज स्टार्ट हो रही है, 2π होगा आगे, पाई होगा, 2π होगा, 3π होगा, 4π होगा, तो लेट्स सपोज 4π है, तो यानी कि मेरे पास इस तरह का ग्राफ आता है, तो उसके ऊपर हम सिंपल तरीके जो अपने पीरियड हमारे आ रहे होते हैं, यानी कि भाई आपने वेव्स एंड मोशन पढ़ी होगी अपने फिजिक्स लेवल के ऊपर, फिजिक्स लेवल पे आप क्या पढ़ चुके हो? वेव्स एंड मोशन, कि आपके पास एक वेव कितनी उसकी आ रही होती है। लेट सपोज हमारे पास ये पर्टिकुलर इस तरह की वेव आ रही है, एक वेव का जो पीरियड आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2π आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक वेव का जो पीरियड आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2π आ रहा है। तो बेसिकली अगर मैं उस 2π को इस k की जगह पुट करवा दूं, देन इट विल बी नोन एज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स, कि मैं पीरियड की फॉर्म में बात कर रहा हूं। मेरा बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स की ही टाइप है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही की टाइप है, तो पीरियोडिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स से कनेक्टेड है भाई। किसने आपसे बोला नहीं है? मैंने तमाम चीजें आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के भी तक पढ़ाई है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में तो गए नहीं हम लोग, हमने सारी की सारी अभी तक क्लास के अंदर 13 जो टाइप्स पढ़ी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, सारी पीरियोडिक मैट्रिक्स की है, सॉरी सारी स्क्वायर मैट्रिक्स की है। मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं अगर किसी बच्चे को इशू हो रहा है कि भाई देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, मैं से किसी बच्चे को इशू हो रहा है तो मैं दोबारा से बता देता हूं। देखो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या था? आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है कि अगर मेरे ओरिजिनल मैट्रिक्स का मैं स्क्वायर लूं और आंसर मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए, देन इज नोन एज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। हमारे पास देन कम्स द निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स कहता है कि अगर आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स में कोई पावर आ रही है उसको आप सॉल्व करवा दो और उसका आंसर जीरो के बराबर आ जाए, देन इट इज नोन एज निलपोटेंट। भाई निल से याद रखो, निल के मायने सिफर के होते हैं, तो क्या बन जाएगा? अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स से पावर आ रही है, कोई पावर पी के एल कोई भी आ रही हो और उसका सॉल्व करने पे आंसर जीरो आ जाए, कंडीशन यानी किस तरह की हो? जीरो के बराबर ही कंडीशन हो, तो भाई निल के मायने निलपोटेंट। क्या बन गया? निलपोटेंट मैट्रिक्स। अगर मेरे ओरिजिनल मैट्रिक्स के ऊपर क्या आ जाए? स्क्वायर। ओरिजिनल मैट्रिक्स पे क्या आ जाए? स्क्वायर। और मैं उसको आपस में सॉल्व करवाता हूं, सॉल्व करवाने पे आंसर क्या आ जाए? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? क्लास के स्टार्ट में पढ़ाया था ये वाला मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स था ये, पढ़ाया तो था मेरा बच्चा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, देन इट इज नोन एज इमोरेटरी मैट्रिक्स। और फिर चौथी और लास्ट टाइप जो मैंने आपको पढ़ाई, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइप थी, जो कि लास्ट दफा पेपर में बहुत ज्यादा ही डिफरेंट एप्टीट्यूड्स के अंदर, मेरे बड़े पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स को मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि मेरा बच्चा आपके पीरियोडिक मैट्रिक्स से कहता है कि अगर आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स के ऊपर कोई पीरियड प्लस वन आ रहा हो और वो आपका उसको सॉल्यूशन उसका आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स के ऊपर कोई पीरियड प्लस वन आ जाए और उसका सॉल्यूशन आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, देन इट विल बी टर्म्ड एज पीरियोडिक मैट्रिक्स, देन इट विल बी टर्म्ड एज पीरियोडिक मैट्रिक्स। और हम इस बात को मैंने एक आसान जबान में समझाया कि भाई ये वेव्स एंड मोशन की कहानियां पढ़ते हो ना, वेव्स एंड मोशन, फिजिक्स मेरा टॉपिक नहीं है, फिजिक्स के सर ने आपको पढ़ाया होगा कोई ना कोई वेव्स की, भाई हर वेव्स की कोई ना कोई डायमेंशन होती है, किसी के ऊपर मूव कर रही होती है ना भाई, लेट सपोज 3π के ऊपर मूवमेंट कर रही है, पाए 3π, देन मुझे बताओ भाई यहाँ पे एक पीरियड कितने पे आ रहा है आपका? अगर मैं करेक्ट यहाँ पे नंबर लिखूं तो एक पीरियड कितने पे आ रहा है आपका? पाए 2π 3π। इस केस में आपका एक डिस्टेंस कितना आ रहा है? एक नोड से दूसरे नोड के ऊपर डिस्टेंस क्या आ रहा है? आप तमाम लोग इस बात की गवाही देंगे सर पाए का आ रहा है, यानी कि मेरा यहाँ पे पीरियड क्या बन गया? पाए बन गया। इस वाली एग्जांपल को देख लो कि भाई यहाँ पे मेरा एक नोड ये है, एक नोड ये, एक नोड ये, तो भाई तो मेरा एक पीरियड जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 2π का आ रहा है, तो भाई वही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे के क्या है? सिंपल पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2π, यानी कि जो पीरियड आ रहा है
है वो है। तो पीरियोडिक मैट्रिक्स में आपको इनमें से किसी भी मैट्रिक्स एग्जांपल आपको सॉल्व करवाने नहीं आएगा, जितनी मैंने मुश्किल चीजें पढ़ी है। ये कॉन्सेप्ट है खाली, जो कॉन्सेप्ट आप हायर लेवल पे यूज करो कल को जाके यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर। आपको फिलहाल के लिए इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए, बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए। क्लियर है मेरा बेटा? यहां तक किसी बच्चे को इशू, देखो बेटा इस लेक्चर के लिए बड़ी मेहनत भी है और इस लेक्चर को बड़े तरीके से डिलीवर किया यहां तक, काइंडली लेट मी नो क्लियर है आपको। फाइनली हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर मूव कर सकते हैं, इसका मतलब अब फाइनली हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास? सेकंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है मेरा बच्चा? हमारे पास मैट्रिक्स की दूसरी तरह या दूसरी टाइप। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हमें लाजमी पढ़ना जरूरी है ताकि हम कर सकें। अभी तक हमने मैट्रिक्स की खाली स्टैंडर्ड टाइप एक ही पढ़ी है, अभी तक हमने सिर्फ मैट्रिक्स की एक ही टाइप डिस्कस करी, इट इज स्क्वायर, इट वाज स्क्वायर मैट्रिक्स। और बाकी जो सब टाइप डिस्कस करी थी बेटा, वो डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर या आइडेंटिटी या यूनिट या अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, इनवोल्यूटरी एंड सो ऑन, जितनी चीजें पढ़ी वो सारी स्क्वायर मैट्रिक्स की सब टाइप्स थी। अब फाइनली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे जाने। मुझे पता है आप परेशान हो रहे होंगे, सर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की भी इतनी सारी टाइप्स होंगी? नहीं मेरा बच्चा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अल्लाह मियां की गाय है। अगर कोई भी बंदा हमसे पूछ ले, हमसे बात पूछ ले कि भाई सर स्क्वायर मैट्रिक्स तो पढ़ लिया, अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है? तो मेरा बेटा ऐसी चीज, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में क्या हो, बराबर ना हो, यानी कि m इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ n, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, बराबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एग्जाम्पल दे दी मैंने, भाई इस एग्जाम्पल को देख लो, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी आ रही है तुम्हारे पास? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं तुम्हारे पास? 3। यानी कि 2/3 का मैट्रिक्स आ रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए नहीं है। अगली मैट्रिक्स देख लो, एक रॉ मैट्रिक्स है ऑल्दो, मगर क्या आ रहा है? नंबर ऑफ रॉज सिर्फ 1 है, कॉलम्स कितने हैं? 3। तो मेरा बेटा 1/3 का मैट्रिक्स है, यानी कि रॉज और कॉलम बराबर नहीं है। तो कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके पास खाली जो है ना दो ही टाइप्स होती है, एक को हम कहते हैं रॉ मैट्रिक्स, एक को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है ना बड़ा मासूम सा आदमी है, सही है ना भाई? उसके पास सिर्फ दो ही टाइप्स हैं, वो स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह बिल्कुल भी जो है ना गरूर नहीं करता। उसके पास सिर्फ दो टाइप्स हैं, एक क्या है रॉ मैट्रिक्स, एक क्या है कॉलम मैट्रिक्स। भाई देखो इसके बच्चे रट्टे मारते हैं, मेरा बच्चा रट्टे नहीं मारना, मैंने तुम्हें हत्तुल इम्कान कोशिश करी कि रट्टे मारने से बचाऊं और तुम्हें डिफरेंट एग्जांपल समझाई। अब देखो रॉ मैट्रिक्स अपने नाम से जाहिर हो रहा है रॉ, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रॉ एग्जिस्ट कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 4, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 2, 7, 9। सही है भाई? रॉ मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक रॉ एग्जिस्ट करे। रॉ मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक रॉ एग्जिस्ट करे। कॉलम मैट्रिक्स अपने नाम से जाहिर कर रहा है कि भाई क्या है, कॉलम होगा, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की टाइप्स क्या होती है? रॉ और कॉलम। और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है कि भाई दुनिया का एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ कॉलम है, जिसमें सिर्फ कॉलम है। फॉर एग्जाम्पल 2, 0, 1, 4, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ कॉलम है। इसका रट्टे थोड़ी मारने, बेसिक बात है यार ये। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रॉ मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स। मैंने आपके सामने दोनों बना दी। आसान भाषा के अंदर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स कभी भी बराबर नहीं होते। आसान भाषा के अंदर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है बेटा? ऐसी चीज जिसमें रॉज और कॉलम्स के आपस में बराबर नहीं है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स मैंने भी आपको सिखा दी कि बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बहुत ही मासूम चीज है, दो ही टाइप्स होती हैं, एक रॉ मैट्रिक्स होती है। रॉ मैट्रिक्स का मतलब क्या है? ऐसा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रॉ एग्जिस्ट कर रही हो। दूसरी टाइप क्या होती है मेरा प्यारा बच्चा? ये होती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के मायने क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम एग्जिस्ट कर रहा हो, देन इट इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है भाई? अब चलते हैं फाइनली अपनी एक और चीज के ऊपर। अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक फेडरल का कॉन्सेप्ट है, उसको भी लाजमी सीख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ये एक वो चीज है जो कभी कभार पेपर में पूछ ली जाती है। अच्छा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? देखो ओरिजिनली मेरी चीज आपने अपने ज़हन में रखनी है, ओरिजिनल मेरी बात क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है। भाई देखो रॉ मैट्रिक्स मैंने आपको क्या पढ़ाया, रॉ मैट्रिक्स ऐसी स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक रॉ एग्जिस्ट कर रही होगी। और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ऐसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, जब मैंने कहा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसका मतलब क्या है, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में क्या है, बराबर नहीं है। ऐसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं जिनमें रोज और कॉलम वन से ज्यादा होती है, जिनमें रोज और कॉलम वन से ज्यादा होती है। अगर तो एक ही रॉ होगी तो जाहिर सी बात है फिर तो मैं उसे रॉ मैट्रिक्स कह दूंगा ना, और अगर एक ही कॉलम होगी तो उसको मैं कॉलम मैट्रिक्स कह दूंगा। तो फिर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है? ऐसे अनसिमिलर रोज और कॉलम का होना
कि उसके अंदर या तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर बन रहा हो या वर्टिकल स्ट्रक्चर बन रहा हो। अगर हॉरिजॉन्टल बन रहा हो तो उसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कह देती है। फॉर एग्जांपल एक शॉर्ट ट्रिक अपने ज़हन में रखिएगा, आप एक शॉर्ट ट्रिक में वहां सिखाऊंगा। अगर आपके मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो नंबर ऑफ रॉस से, अगर नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो नंबर ऑफ रॉस से, देन इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। सर ये क्या बात हुई? फॉर एग्जांपल बात बताएं, लेट सपोज मेरा बेटा, मैं आपसे कहता हूं 2x6 का मैट्रिक्स, मैं आपसे कहता हूं 2x6 का मैट्रिक्स, ये क्या बनेगा भाई? देखो कितनी नंबर ऑफ रॉज आ रही है, नंबर ऑफ रॉज आपके पास सिर्फ दो आ रही है, यानी कि ऐसे करके दो होंगी। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे? छह। कितने होंगे? छह, यानी कि चलता जाएगा भैया ये छह मैट्रिक्स है ना भाई। तो अब देखो ये किस तरह का स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर आपके पास कैसा बन गया? 2x6 का, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स क्या थे? ज्यादा थे। तो कभी भी अगर नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो नंबर ऑफ रॉज कम हो, देन इट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यानी कि फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने आपके सामने मैट्रिक्स बनाया। भाई ये मैट्रिक्स स्क्वायर तो है नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? रोज और कॉलम का सेम होना। जब रोज और कॉलम सेम नहीं है तभी तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर आए हैं। तो ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें रोज की तादाद क्या है? दो, कॉलम्स की तादाद क्या है? तीन। तो कॉलम्स क्या है? तीन, यानी कि कॉलम ज्यादा है तो भाई क्या होगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर बनता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाता है। अच्छा, आप में से किसी के जहन में आ रहा होगा सर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तीसरी टाइप क्यों पढ़ा रहे हैं? सर अभी आपने कहा था रॉ और मैट्रिक्स, रॉ और कॉलम ही होते हैं बेटा, यूजुअली रॉ और कॉलम ही होते हैं। बट अगर मेरे पास रॉज और कॉलम वन से ज्यादा आ जाए और इस तरह का अनसिमिलर मैट्रिक्स आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? फिर उसको फर्दर क्लासिफाई करने के लिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स या वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास वर्टिकल मैट्रिक्स आएगा। वर्टिकल मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है? अगर ऐसा मैट्रिक्स उसमें रॉस की तादाद ज्यादा आ जाए कॉलम से, रॉस की तादाद ज्यादा आ जाए कॉलम से, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? इस तरह के मैट्रिक्स को हम बेटा कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा यहां तक की बात? क्या कहा मैंने? वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगा यार? तुम्हें परफेक्ट ट्रायंगल कब मिलेगा वर्टिकल के ऊपर? जाहिर सी बात है तुम्हारे पास कम चीजें होंगी ना वर्टिकली। इसका मतलब लेट सपोज इस तरह का मैट्रिक्स देख लो, इस तरह का मैट्रिक्स देख लो। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दू, यहाँ पे जाहिर सी बात है कॉलम्स की तादाद को कम करूंगा तभी तो वर्टिकली स्ट्रक्चर बनेगा मेरे पास। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रॉज ज्यादा हो नंबर ऑफ कॉलम्स कम हो, तो उल्टा हिसाब है। देखो उल्टा हिसाब है, क्या बन जाएगा? वर्टिकल मैट्रिक्स। अगर मैं ऑन दी अदर हैंड तुम्हें क्या कर दू, नंबर ऑफ रॉज कम दे दूं और कॉलम ज्यादा दे दूं, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा दे दूं, तब क्या बन जाएगा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो भाई हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स या वर्टिकल मैट्रिक्स कोई नई चीज नहीं होती, ऑल्दो बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि भाई वर्टिकल मैट्रिक्स कब बनेगा? इस तरह का स्ट्रक्चर तब बनेगा जब तुम्हारे पास रॉज की तादाद क्या हो भैया? ज्यादा हो एज कंपेयर टू कॉलम। और इस तरह का स्ट्रक्चर कब बनेगा? जब तुम्हारे पास कॉलम्स की तादाद ज्यादा हो एज कंपेयर टू रॉज। तो भाई आपके पास ये फोर मासूम सी टाइप्स होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। पहली टाइप क्या थी भाई हमारे पास? सिंपल तरीके से रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स क्या था कि अगर मेरे मैट्रिक्स में सिर्फ एक रॉ है तो रॉ मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स क्या था? अगर मेरे मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स था। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर मेरे मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ रॉज, तो मेरे पास सिंपल तरीके से हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बन जाएगा। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या था कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ रॉज ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ कॉलम, तो सिंपल तरीके से वर्टिकल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो भाई ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है मासूम सा। काइंडली लेट मी नो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात। मेरे पास एक क्वेश्चन आया, सर अगर दो रॉज हूं और चार कॉलम हूं तब क्या बनेगा? भाई खुद देखो ना क्या कहा। देखो रॉज हमेशा क्या होती है? पहले आती है। कॉलम्स क्या होते हैं? हमेशा बाद में। कैसा मैट्रिक्स बन गया? 2x4 का। रॉज कितनी है? दो है तुम्हारे पास। कॉलम्स कितने हैं? चार है तुम्हारे पास। तो ज्यादा कौन सी चीज है? कॉलम ज्यादा है ना। और जब कभी कॉलम्स ज्यादा होंगे यानी कि देखो मैं चार कॉलम्स अगर बनाता हूँ और रॉज कितनी है? खाली दो है, तो कैसा मैट्रिक्स? स्ट्रक्चर को देखो, सब बोलो स्ट्रक्चर कैसा बनना है तुम्हारे पास? जाहिर सी बात है बेटा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बनना है ना, हॉरिजॉन्टली शेप बन रही है इसकी। वाइल अगर मैं इसका उल्टा आपको दे दूं, मैं आपको 4x2 का मैट्रिक्स दे दूं और फिर पूछूं बताओ ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है या वर्टिकल मैट्रिक्स है, अब की सूरत में देखना। अब क्या है तुम्हारे पास? ऑल्दो तुम मेरी कंडीशन फॉर्म से अप्लाई कर दो भाई, कभी भी अगर रॉज ज्यादा हो और कॉलम्स क्या हो कम, हमेशा वर्टिकल आपका मैट्रिक्स आता है। कभी भी कॉलम ज्यादा हो और रॉज कम हो तो हमेशा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बनता है। बट स्टिल इसको एनालाइज वैसे भी कर सकते हो, अगर पेपर में जाके भूल जाओ ना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो भाई देखो स्ट्रक्चर देख के एनालाइज कर लेना। मैंने भी तो अभी यही किया था भाई। कैसे करो? स्ट्रक्चर देख के। अब रॉज पहले बना लो। रॉज कितनी तुम्हें दे रहा है? चार रॉज दे रहा है। रॉज का मतलब क्या है ये? कॉलम कितने दे रहा है? खाली दो दे रहा है।
इसका मतलब ये कि देखो छोटी चीज बन रही है, वर्टिकली छोटी है, वर्टिकली एक्सपेंडेड है और वैसे वो है, क्या बन जाएगा आपके सिंपल वर्टिकल मैट्रिक्स आ जाएगा, कोई मसले की बात है? अब कोई मसले की बात मेरा बेटा, क्लियर है? तो भाई एक शॉर्ट टर्म ध्यान में रखिएगा, कभी भी अगर आपकी नंबर ऑफ रॉस ज्यादा हो तो हमेशा वर्टिकल मैट्रिक्स बनता है, अगर नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो तो आपके पास हमेशा क्या बनता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बनता है। तो इस चीज को बस याद रख लें, बाकी सब चीजें आसान है। क्लियर है मेरा बच्चा? अब कोई मसला? अच्छा बेटा, फाइनली हम अपने थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर जा रहे हैं। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? हमने स्क्वायर मैट्रिक्स डिस्कस कर लिया, वी हैव डिस्कस अबाउट द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नाउ, एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन नल मैट्रिक्स। मेरा बेटा नल मैट्रिक्स अपने नाम से जाहिर है क्या होता है, नल मैट्रिक्स मैट्रिक्स के नाम पे धब्बा होता है भाई। नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स के आ जाए जीरो आ जाए, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स के आ जाए जीरो आ जाए। भाई नल मैट्रिक्स का मतलब ही क्या है? नल, नल क्या होता है? नल्ला, नल से क्या है? नल्ला, नल्ला कौन होता है भाई, इसको कुछ नहीं आता जाता। तो भाई नल मैट्रिक्स क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम की तमाम चीजें क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्लियर है मेरा बच्चा? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम की तमाम चीजें क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? सिंपल नल मैट्रिक्स कहते हैं मेरा बच्चा। अच्छा, नल मैट्रिक्स डिनोट किससे होता है? कैपिटल ओ से होता है। कभी आपके पास लिखा हुआ आ जाए ओ टू, तो ओ टू के मायने ये है कि ऐसा नल मैट्रिक्स जो टू बाय टू का है। कभी लिखा हुआ आ जाए ओ थ्री, तो ओ थ्री के मायने ये है कि ऐसा नल मैट्रिक्स जो थ्री बाय थ्री का है। बड़ी सिंपल सी बात है मेरा बेटा। अब फाइनली हम आ जाते हैं चौथी मैट्रिक्स की टाइप के ऊपर। मैट्रिक्स की चौथी टाइप क्या होती है मेरा बेटा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स को मैट्रिक्स की फोर्थ टाइप कहते हैं। मैंने और तो बातों बातों में आपको वैसे ही बता दिया था, हमने इतने सारे भी क्वेश्चंस के साथ ट्रांसपोज लेना वैसे सीख गए। तो भाई ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता क्या है? अगर मैं नंबर ऑफ रॉस को नंबर ऑफ कॉलम्स में कन्वर्ट कर दूं या फिर वाइस वर्सा, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। डिनोट कैसे करते हैं सब सिखा चुका हूं अभी मैं, हाथ के हाथ। एक के ऊपर स्मॉल टी आ जाए, एक के ऊपर कैपिटल टी आ जाए, एक के ऊपर सिंपल मॉड आ जाए। मेरे पास एक एमसीक्यूज आ गया भाई, 1 4 2 3 1 0 6 1 2। बताओ भाई इसका ट्रांसपोज क्या होगा? बंदा मुझसे कहता है निकाल के दिखाओ। भाई सिंपल नंबर ऑफ रॉस को कॉलम में कन्वर्ट करके लिख दो, क्या बन जाएगा? 1 4 2। अगली वाली नंबर ऑफ रॉस को कॉलम में कन्वर्ट करके लिख दो, क्या बन जाएगा? 3 1 0। अगली वाली नंबर ऑफ रॉस को नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट करके कर दो, 6 1 2। सिंपल तरीके से ट्रांसपोज आ जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा? तो यहाँ पे हम अपने आज के लेक्चर को फाइनली एंड कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या बात सीखी है? आज के लेक्चर में हमने मैट्रिसेस क्या होते हैं, मैट्रिसेस की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, मैट्रिसेस की टाइप्स क्या होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने उसको कवर किया है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इससे कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसके अंदर हम ना सिर्फ ये सीखेंगे कि मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट क्या होते हैं एक्स वाई जी, बल्कि हम इससे और ऊंची लेवल की चीजें सीख रहे होंगे, जिसके अंदर नंबर ऑफ एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह, जिसके अंदर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एमसीक्यूज बेस आ रहे होते हैं, उन तमाम चीजों को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर रहे होंगे। तो आज का जो लेक्चर था बेटा वो प्रॉपर्टीज के ऊपर था, और ये जो आज का लेक्चर था बेटा ये ज्यादा मुश्किल था एज कम्पेयर टू रिमेनिंग लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ये ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि मेरा बेटा डिटरमिनेंट कैसे लेना है, एडजॉइंट या इनवर्स कैसे लेना है, या दो मैट्रिसेस के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, या अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर पे क्वेश्चन दे दूं, या मैं आपको कोई भी आपको टेक्निकल तरह का क्वेश्चन दे दूं, तो 99% आवाम टेक्निकल क्वेश्चंस को सॉल्व इजीली कर सकती है, उन्हें टेक्निकल क्वेश्चंस के ऊपर सॉल्व करने में कोई इश्यू नहीं आएगा। व्हाइल ऑन दी अदर हैंड जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के अंदर, वहां पे बच्चे की जान जाती है। एक बड़ा अरसा था कि मुझे बड़ा मसला होता था कि थ्योरी के टॉपिक में बच्चों को कैसे एंटरटेन करके पढ़ाऊं। आई होप कि मैंने ना सिर्फ आपको तरीके से पढ़ाया एंटरटेन करके, बल्कि आपको समझा भी पाया हूंगा, क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक मैथ्स में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है बेटा कन्वे करना, क्योंकि उसके अंदर आपको नहीं मालूम होता बच्चे को करना बच्चा समझ पा रहा है नहीं पा रहा, अगर समझ पा रहा है तो किस लेवल में समझ पा रहा है। और ये रिसेंट ईयर्स के अंदर जो मैंने डिफरेंट पास्ट पेपर्स को देखा उसके अंदर मेरा बेटा थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं जानबूझ के मैथ्स के पोर्शंस के अंदर, क्योंकि थ्योरी एग्जामिनर को कि बच्चा यहाँ पे लुढ़केगा इससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो बेटा ये जो चीज है ना इसको आपने लाजमी क्लियर रखना है, समझना है कि आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको ना सिर्फ आपने उतारना है बल्कि उतार के इसको मेमोराइज भी रखना है, और कोशिश करनी है हमने जो एग्जांपल्स करी वो आपको समझ भी आई इंशाल्लाह। क्लियर है मेरा बेटा? तो यहाँ पे आज की क्लास को ऑफ करते हैं। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज। अच्छा मेरे पास बड़ा खूबसूरत मैसेज आया यार, वाओ माशाल्लाह सर, क्या नल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है? मेरा बेटा नल मैट्रिक्स डायगनल मैट्रिक्स क्यों होगा? डायगनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगनल एलिमेंट्स तो मौजूद होने चाहिए ना मेरा बेटा। डायगनल मैट्रिक्स की तो कंडीशन ही मैंने आपको ये पढ़ाई कि डायगनल मैट्रिक्स तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जो डायगनल एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो होने चाहिए हर सूरत के अंदर, तभी तो डायगनल मैट्रिक्स है। तो ऐसा मैट्रिक्स जो डायगनल जिसके डायगनल एलिमेंट्स जीरो होंगे देन ऑब्वियसली इट्स नॉट डायगनल मैट्रिक्स, डायगनल कैसे हो सकता है वो? क्लियर है मेरा बेटा? तो यहाँ पे आज की क्लास को ऑफ करते हैं। आई एम रियली हैप्पी कि मेरा बेटा आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन लाजमी पूछा करें अपने हर टीचर से जो भी आपका टीचर है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पे आज की क्लास को ऑफ करते हैं। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़, बाय बाय टाटा। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।